पायरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। हर कोई डिजिटल गुड्स की जो भी कंजम्पशन करता है वो पायरेटेड होती ही होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने मूवीज, गाने या गेम्स हमेशा खरीद के ही कंज्यूम किए हैं। जरूर आपने पायरेसी की होगी, टॉरेंट्स को सब जानते हैं इंडिया में। आइए इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं पायरेसी से रिलेटेड अपने फ्रेंड्स से जो आते हैं मिक्सअप चैनल से, कैंकेक्स और स्मोकशिप। तो स्मोकशिप और कैंकेक्स, आपका स्वागत है इंडियन गेमर चैनल पे, और आप हमें कुछ बताएं पायरेसी के बारे में। हम क्वेश्चन आंसर राउंड तो नहीं करेंगे, हम सबने अपनी टिप्पणी। और पहले तो ये चीज है कि लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, हम सबने कभी ना कभी पायरेट की है गेम्स, किया है, ठीक है, वी आर ऑल गिल्टी। अपनी नीड को किसी ना किसी तरह तुम पूरी तो करोगे, और कोई भी अगर एक्सेस मिलता है, कोई भी कन्वीनियंट एक्सेस मिलता है तो तुम उठाते हो। हम इंडियंस का ये होता है कि हम जब हमें कोई चीज चाहिए तो चाहिए, तो हम ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि यू नो हम कि आपको लगे हम कोई बड़े से टावर से खड़े होके राइचियसली कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल सही हैं, हमने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं और आप लोग गलत काम कर रहे हो। हमने वहां से गुजरे हैं, हम वो गंध से, पायरेसी से, और उसके थ्रू निकलने के बाद हम फिजिक ओरिजिनल कॉपीज पे आए हैं, और धीरे धीरे हमने पीछे और क्यों आए हैं वो भी एग्जैक्टली और क्यों आए हैं, और हमें कितना बुरा लगता है कि हमने जो पायरेसी किया था और वो गेम्स अब अभी देखने को मन भी नहीं करता है उनको, वो सब हम आपसे हम आप लोगों के साथ डिस्कस। तुमने पायरेटेड सीरीज अपने रखी हुई है? मैं तो डिस्पोज कर दिया, नहीं डिस्पोज नहीं है, रखे हुए, पैसे दिए थे उनके लिए, यार क्यों डिस्पोज करूंगा मैं, वेस्ट। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे था? एक थोड़ी सी डिवाइड है, जैसे कई लोग हैं वो पायरेसी करते हैं रीजंस चाहे जो भी हो, वी आर नॉट जजिंग देम, और कई लोग हैं जो पायरेसी नहीं करते हैं, अपना कंटेंट खरीदते हैं, जो भी डिजिटल गुड्स जैसे भी हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, वो खरीदते हैं, गेम्स भी हो गए उनमें, और फिर थोड़ा सा इनमें जो डिवाइड है, और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। जैसे कि जो खरीदते हैं डिजिटल गुड्स को, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से पायरेसी, जो पायरेट्स हैं उनकी वजह से जो है वो गेमिंग जैसी इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि डेवलपर्स में पैसा नहीं पहुँचता है तो वो इंडिया में ध्यान नहीं देते। वहीं जो पायरेट्स हैं वो ये कहते हैं कि भैया देखो मेरे पे पैसे हैं नहीं, मेरे पास कंप्यूटर के पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो मैं 10 गेम खरीदूं, वो 10 गेम मैं खरीदूंगा तो मेरा कंप्यूटर आ जाएगा गेमिंग कंप्यूटर, तो मैं कहां से कर लूं। तो ये जो डिवाइड है दोनों के बीच में, जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहें। अच्छा आई जी सर, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। सीधी सी बताइए आप। एक ना एक्सेस की बात होती है। अब ना हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, गेम्स बहुत एक्सपेंसिव है, बट वही लोग जो हैं ग्राफिक कार्ड तो खरीदते ही हैं, और इतने एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड खरीदते, कहीं ना कहीं जोड़ जोड़ के तो खरीदते ही हैं। ग्राफिक कार्ड्स जो लग्जरी है, दे आर नॉट एसेंशियल कंप्यूटर गुड्स, बट टू अ पॉइंट के ये जो नए ग्राफिक कार्ड्स भी आए हैं, इतने ओवर एक्सपेंसिव, ओवर प्राइस ग्राफिक कार्ड्स, पीपल आर बाइंग इट बिकॉज वो नेसेसिटी है। द थिंग इज कि कहीं भी हमें एक्सेस मिल जाता है तो हम जो है ह्यूमन नेचर है, हम क्या करते हैं, वो पैसे बचाते हैं और ईजी वे आउट निकालते हैं। अगर हमारे पास फालतू पैसा भी है फिर भी हम जो इफ इन केस पायरेटेड गेम्स हमारे को एक्सेस मिल रहा है, वील ऑलवेज डू इट एंड कीप डूइंग इट। सिर्फ कुछ लोग होते हैं कि दे लव द आर्ट ऑफ गेमिंग एंड दे वॉन्ट टू सपोर्ट द डेवलपर्स, तो वो लोग जो हैं आउट ऑफ गुड कॉन्शियस कहते हैं हम कम गेम्स खरीदेंगे बट हम पैसा दे के ओरिजिनल गेम्स खरीदेंगे। अब इसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इट्स समथिंग दैट इज ग्रे लाइन है, कोई भी राइट रॉन्ग कह नहीं सकते कि ये राइट है वो रॉन्ग है, बट द आइडिया इज के देखा जाए तो पायरेटेड गेम्स टू अ पॉइंट हर किसी में, पायरेसी म्यूजिक, गेम्स, मूवीज में हर्ट करती है इंडस्ट्री को इन द लॉन्ग रन। हमें लगता नहीं है कि नहीं करती, हमें लगता है कि ये जो चीज़ है विल नॉट अफेक्ट, और हम किसी का हार्म तो कर नहीं रहे, बट आप जो ओरिजिनल बायर्स हैं जो बेचारे खरीदना चाहते हैं उनके लिए प्राइसेस इंक्रीज करवा रहे हो रादर देन डिक्रीजिंग इट। अगर जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे गेम्स को, गेम डेवलपर्स, क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट अगर कोरिलेशन दिखता है कि हम गेम के प्राइसेस अगर घटाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वो करेंगे। तो हम वी आर डूइंग हार्म नॉट टू द डेवलपर ऑल्सो, वी आर डूइंग हार्म टू आवरसेल्फ्स ऑल्सो,
क्या जो बेचारे हमारे जैसे या कुछ लोग खरीदना चाहते हैं गेम को, उनके लिए तो गेम प्राइसेस ऊपर जाती रहेंगी, वो कभी नीचे आएंगे नहीं। सी एक चीज़ है जी, मैं थोड़ा सा एक दूसरा ओपिनियन दूंगा बिगनिंग में कि देर इज़ नो डाउट, हम इसका कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं कि पायरेसी इज़ रॉन्ग। हमने वो पहले किया है, गलत काम किया है, एंड दैट्स वाई वी लेफ्ट इट। द थिंग इज पायरेसी इज़ रॉन्ग, इट इज़ थेफ्ट, इट डज हर्ट दी इंडस्ट्री पीरियड। इसका कोई दिस वे दैट वे कुछ नहीं है। इट हर्ट्स दी इंडस्ट्री, इट हर्ट्स अस। हम पहले इसके बारे में बात कर रहे थे आई जी के, यू नो हाउ हम इंडियंस के बारे में, हम इंडियंस बोलते रहते हैं कि क्या यार यहाँ पे, हमने पहले बात भी किया है काफी कोलैब्स में आप ही के साथ कि यहाँ पे गेमिंग कम्युनिटी का क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं है इंटरकनेक्शन, क्यों नहीं है, और इंडिया वाई इज़ इट रिकग्नाइज कि यहाँ पे भी गेम रोध होके आते हैं, मार पीट के भी कोई गेम्स तो रिलीज भी नहीं होते हैं जो मिड लेवल है, नहीं कोई गेम्स तो रिलीज भी नहीं होते हैं, यू नो सम गेम्स डोंट इवन रिलीज, सम गेम्स आर क्या कहते हैं ओवर प्राइस्ड, वी डोंट नॉट गेट प्रेफरेंस लाइक चाइना डज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इवन प्राइसिंग। दूसरा ये चीज है कि पहले क्या था कि गेमिंग अवेलेबिलिटी वॉज अ बिग प्रॉब्लम बैक इन द डे जब हम लोग कुछ करते थे, हम तो टू टीयर वगैरह सिटीज में थे, माई डैड वॉज इन दी आर्मी, कोई कैंट में कहाँ आपको मिलेगा, वो तो कंप्यूटर भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, डेमो डिस्क भी हम चंडीगढ़ आके चिप सीडीज लेते थे। नाउ द थिंग इज दैट ऑल दीज, पहले अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, ऑल दैट हैज बीन सॉल्वड विद स्टीम, तो वो एक्सक्यूज किसी के पास नहीं है। यहीं पे स्टीम थॉट पे आई जी सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बिकॉज यू बीन ऑन स्टीम एंड आप पीसी गेमर हो प्राइम मेजरली, राइट एम आई राइट ना, आप पीसी पे प्रेफर करते हो, स्टीम्स के ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखो तो बेटर डिस्काउंट्स होने शुरू हुए, बेटर प्राइसेस मिलने शुरू हुए, राइट योर एक्सपीरियंस हुए कि नहीं? हाँ जी, अरे आप वो छोड़ो प्राइसेस छोड़ो, पहले तो खरीदने के वांदे होते थे, कितने इधर उधर से जाके जो है स्टीम पे गेम्स खरीदने पड़ते थे, अब डायरेक्ट स्टीम से खरीद सकते। एग्जैक्टली, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टीम में जब पायरेसी कम पीसी गेमिंग में विद स्टीम वॉल्यूम ज्यादा घूम रहा है, गेम डेवलपर्स को लगता है जब वॉल्यूम घूमता है कोई बात नहीं, प्राइसेस बेटर दे दो, डिस्काउंट्स और डीपर दे दो, क्योंकि यूज्ड गेम मार्केट जब आप एंड पायरेट दोनों मार्केट्स जो बहुत हिट करती है इंडस्ट्री को, यूज्ड गेम एंड पायरेसी, स्टीम ने यूज्ड गेम हटा दी, देयर इज नो यूज्ड गेम, राइट, एंड पायरेसी को जो है दे आर पायरेटेड गेम्स बट स्टीम में वॉल्यूम बिकॉज कन्वीनियंट है। आई गिव यू एन एग्जांपल, स्टीव जॉब्स ने ना सब जब आईट्यून्स निकाला था जो आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री थी वो कहती थी they didn't want to come on iTunes, सिर्फ वो 5 big studio music studios को convince कर पाया to come on iTunes, क्यों? उनको था कि ये सस्ता इतना एक कि आप एल्बम में से सॉन्ग निकाल निकाल के दोगे, उनको पुख्ता नहीं था, वो कहते कि एल्बम में से सॉन्ग एल्बम पूरा खरीदो, उनको था कि इस इंडिविजुअल सॉन्ग अगर बेचना शुरू कर देंगे दैट इज स्टूपिडिटी थिंग। व्हाट स्टीव जॉब्स ने कन्विंस किया कि देखो लोगों ने सिर्फ एक सॉन्ग सुनना होता है आपके एल्बम से, वो पायरेसी क्यों करते हैं, वो रिप ऑफ क्यों करते हैं सॉन्ग्स को, बिकॉज उनको पूरा एल्बम नहीं चाहिए, उनको उसमें से एक या दो सॉन्ग्स चाहिए। तो स्टीव जॉब्स कन्विंस्ड कि अगर तुम ऐसा करते हो यू नो इट विल किल पायरेसी, इट विल किल दीज स्ट्रीमिंग साइट्स एंड अदर थिंग्स जो नैपस्टर्स थी एंड अदर म्यूजिक स्ट्रीमिंग एंड डाउनलोड इलीगल डाउनलोड्स थे, तो कन्वीनियंस थी जब लोगों, स्टीम इज अ कन्वीनियंस टू पीपल, स्टीव जॉब्स विद आईट्यून्स गिव कन्वीनियंस टू पीपल कि आप पिक एंड चूज करो। एग्जैक्टली, स्टीम में आप रिफंड कर सकते हो गेम को अगर आपको पसंद नहीं है, राइट, यू कैन ट्रेड गेम्स एंड अदर थिंग्स, देयर सो मच कन्वीनियंस, आपकी जो लोग हैं दे रिव्यू गेम्स फॉर यू एंड टेल यू कि ये अच्छी गेम है कि नहीं है। Steam did what iTunes did for music. See, मैंने आपसे ये बात की पहले भी की थी about iTunes and a personal experience के पहले क्या था कि when I wanted a song or I wanted an album, तो मैं क्या करता था, I would album available नहीं था, I would download the torrent of the album और उसको मैं लगाता था, iTunes था नहीं। अब iTunes जब आया, when it came and it was available and it was so cheap, 10 रुपये 15 रुपये 18 रुपये आप में आपको एक गाना मिलता है, 150 में आपको पूरा एल्बम मिल जाता है। एंड हाउ, आपने शज़ाम किया गाना को आपके फ़ोन पे, आपने वो थंबप्रिंट लगाया, बाय किया, डन, इट इज़ फास्टर एंड ईजियर देन गोइंग मैं डाउनलोड करूँगा, वायरसेस भी आएंगे, वो पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, फेक टॉरेंट है नहीं है, और फिर उसको फ़ोन पे डालूंगा और फिर सुनूंगा। नाउ द सेम थिंग इज़ इन गेमिंग, अब स्टीम में वो हो चुका है टू अ सर्टन एक्सटेंट कि इट इज़ ईजियर, इट इज़ फास्ट। कॉन्सोल्स में गेम पास जैसी चीज़ है विच इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, बट उस पे भी हम आएंगे कि कंसोल प्राइसेस क्यों ज्यादा होते हैं स्टीम प्राइसेस, बिकॉज़ स्टीम इज कन्वीनिएंट फॉर पीपल,
एंड वो बिकॉज वॉल्यूम घुमा सकते हैं, वो डीपर डिस्काउंट दे सकते हैं व्हेन कंपेयर टू कॉन्सोल. ऑब्वियसली कॉन्सोल में प्रीमियम भी होता है, जो लाइसेंस फी होती है जो सोनी और माइक्रोसॉफ्ट को देनी है वो भी है. बट द थिंग इज कि जब पायरेसी कम होती है देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विच कैनॉट बी डिस्प्यूटेड. If in case more and more people buy games, game developers can give more and more discount. क्योंकि उनको जो है उनको profit बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा. And they would love to give it because उनको direct correlation मिलता है कि जैसी game prices नीचे गई हैं हमारा volume, sale volume बढ़ना शुरू हो गया. एक simple सी बात है, when you look at Amazon, आप PlayStation 4 की game देखो और Xbox One की देखो. PlayStation 4 90% of the time is cheaper than Xbox One. Because the distribution is more. मैंने Xbox One X लिया है, तुम चुप करके बैठो, मिर्ची मत लगाओ मेरे को जो है. अच्छा, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं ये मानता हूँ कि there is no good or bad. There are situations. जैसे कोई बंदा है उसके पास पैसे नहीं है. रीजन सीधा सीधा रीजन वो सोचेगा नहीं, इसमें कोई अच्छी बात या बुरी बात नहीं है. वो फ्री वाला ऑप्शन ही चूज करेगा, बट ऑब्वियस है. लेकिन सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं होती पायरेसी के लिए. आपको क्या लगता है लोग पायरेसी क्यों करते हैं? क्योंकि अब कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 2080 Ti है और वो भी पायरेसी कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन होंगे? आईजी सर, मैं आपकी बात को ना यहाँ पे जो आपने कहा कि फ्री वाली चीज़ के पीछे जाता है लोग, नहीं, iTunes पे ना मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ. iTunes पे एंड iTunes मॉडल और स्टीम मॉडल ने क्या दिखाया है कि कन्वीनियंट चीज़ पे जाते हैं. अगर हमें वो फ्री की चीज़ के लिए पेन 10 लेने पड़ रहे हैं और थोड़ा सा पैसा दे के वो पेन नहीं लेना पड़ रहा कि क्रैक करो, इसको तोड़ो, इसको ये चीज़ करो, व्हील By default, humans will move toward a more convenient option. So, price and convenience दोनों को हम account करते हैं. अगर piracy में इतनी सिरदर्दी है and 10 रुपए देके या 20 रुपए देके या 200 रुपए देके, I'm taking a hypothetical situation, मेरे को वो सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है तो नहीं लूंगा. बट अगर आप मेरे से 2000 मांगोगे फिर मैं वो सिरदर्दी लूंगा. सो दैट्स अ बिग, वी गो फॉर, एज ह्यूमंस वी गो फॉर कन्वीनियंस. सेकेंड चीज जो है माइंडसेट. अगर The mindset जो बसा हुआ है, if in case everyone's pirating it, and आप पैसे खर्चोगे तो तुम बेवकूफ हो. अब समझो कि अगर environment ऐसा बना हुआ है तो अगर आपके पास पैसा भी है तुम बेवकूफ नहीं दिखना चाहते. तुम कहोगे यार मैं बेवकूफ हूँ, मैं अपने पैसे खर्चू. चाहे है भी मेरे पास, मैं खर्च भी सकता हूँ, बट क्यों? दैट इज, दैट मीन्स एज एन इंडियन हम ना अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करना चाहते. हम नहीं करते, वी बाय डिफॉल्ट वी आर नॉट वेस्टर्न पीपल. जो वी डोंट बी सेफ नहीं कर, अब करना शुरू कर दिया, बट अगर हम देखें फिर भी कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल हम मनी जहां सेव कर सकते हैं ना करते हैं. एंड वो चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वी डोंट सी द लॉन्ग रन, सीधी सी बात है कि हमें ये वापस कैसे इफेक्ट करेगी, बट अगर हमें लगता है कि 10 लोग जो है इस चीज को पायरेट कर रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, दैट मींस मैं बेवकूफ हूँ, बाकी 10 लोग ठीक कर रहे थे. जो डेवलपर्स होते हैं उनसे लोग पूछते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, जो पायरेट्स है उन्हें थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, कुछ दीजिए तो वो खरीदे आपका गेम, कुछ सस्ता कीजिए, कुछ फीचर्स बढ़ाइए, कुछ डीएलसी दे दीजिए तो हो सकता है आपका गेम खरीदे. नहीं, बट गेम डेवलपर्स क्या, आप भी जानते हो कि डेवलपर्स ये कहते हैं कि जिन्हें पायरेसी करनी होती है वो करेंगे. एग्जैक्टली, आप 100 रुपए का दो, आप 50 रुपए का दो, आप 10 रुपए का भी दोगे ना तो भी वो पायरेसी करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता. और ये मैंने कई ये देखा है एक सिस्टम कि जैसे कई लोगों को अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लोगों को नहीं पता कि स्टीम क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं. आई मीन इमेजिन करो, अगर उनका फायदा भी होगा कि क्लाउड पे सेविंग क्या होती है गेम्स की वगैरह वगैरह, थोड़ा आके फील तो लो स्टीम की, फ्री गेम्स ही कर लो आप, उन्हें पता ही नहीं है. नहीं, ये स्टीम क्या होता है, ऑप्शन ही क्या है, रागो जो पायरेसी करेगा. अगर आप इस चीज पे, अगर आप, मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी इस चीज पे, अगर आप स्ट्रीमर्स देखोगे इंडिया के, उनमें मोस्टली कमेंट पता क्या होते हैं कि ये स्टीम क्या चीज है. एंड आई वाज अमेज्ड कि पीपल, अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टीम क्या होता है, इसको कैसे, एंड हम पेन भी नहीं लेते कि गूगल करें स्टीम क्या. नहीं, स्टीमर से पूछते हैं बताओ यार कैसे करना है, क्या करना है. सो बताओ कि स्टीम क्या चीज है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है. सो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो अ बिग थिंग. हमें मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि स्टीम है क्या और उसको यूज कैसे करना है, वो चीज क्या है. या यू वर सेइंग, सॉरी आई हैव लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट. अब ये है कि आपने एक सर्वे किया था आप लोगों ने. हाँ जी सर. तो उस सर्वे पे आप कुछ बताओ, आपको क्या रिजल्ट्स मिले, कुछ फैसिनेटिंग रिजल्ट्स मिले हैं मैंने सुना है. एग्जैक्टली, तो मैंने सर्वे किया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू हैव इनफ मनी देन वुड यू बाय ओरिजिनल गेम्स लाइक
टू गिव अ प्रीएम्बल, मैंने थोड़ा सा पायरेसी के बारे में बात की कि ऐसा है गेम प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, बट अगर आपके पास इनफ पैसा है और आपके गेम प्राइस जो है रीजनेबल है, तब आप ओरिजिनल गेम खरीदोगे कि पायरेटेड गेम खरीदोगे? मोस्टली जो लोग हैं है तो इट्स जस्ट स्वीटनेस ऑफ हार्ट एंड अदर थिंग्स, बट सम पीपल वर फॉर इट एंड सम पीपल वर अगेंस्ट इट. कुछ लोग तो बहुत सॉलिड तरीके से कहते हैं कि यस वी विल बाय ओरिजिनल गेम्स. जैसे कि आई हैव सम वन पर्सन सेड आई हैव सेवरल पायरेटेड गेम्स बट डू ओन सम ओरिजिनल गेम्स. तो इसमें ये पता चलता है कि लोग थोड़े से ना प्राउड होते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, देन देयर इज लाइक सम पीपल आर लाइक नो मैटर हाउ मच दे रिड्यूस द ओरिजिनल प्राइस आई विल ऑलवेज पायरेट. कुछ लोग कहते हैं पायरेसी रूल्स, देन एक पर्सन कहता है सॉरी वी शुड नॉट डिस्कस दिस टॉपिक हियर लेट्स जस्ट मूव अहेड. एक पर्सन कहता है अगर तुम पायरेटेड गेम्स खरीदते हो तो तुम इनसेन हो, व्हाई वेस्ट मनी इवन यू हैव इनफ मनी. नहीं, अगर आप ओरिजिनल गेम्स खरीदते हो आप इनसेन हो. इनसेन हो एक पर्सन ने बहुत अच्छा लंबा सा पायरेसी के अगेंस्ट चीज लिखी. चलो आई नॉट गो इनटू इट, भाई ओपन सोर्स वर्क के बारे में बात करता है एंड अदर थिंग्स, सो वेरी नाइसली डन, बट ही वाज सेइंग के पायरेसी हर्ट्स. देन इट समवन ने बड़ा सा कैप में लिखा इट रॉक्स. सीधा सिंपल आंसर. ये तो जी यू नो वेरी 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 सिंपली ओके, एक बंदा कहता है ओके टेल मी व्हाट इज द बेनिफिट्स इफ आई बाय ओरिजिनल गेम. हाँ, और इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ ये. अरे आप बताओ कंकी, सर सही बात है, अगर मैं गेम खरीदूं पायरेसी ना करूं तो फायदा क्या होता, क्यों खरीदूं मैं गेम? रिश्तेदारी थोड़े ना है, और मुझे आपका क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, गेम इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो रही, मेरे को क्या है, मैं अपने क्यों दूं 500 रुपए 2500 रुपए? बिल्कुल सही, और वही हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है कि इन द लॉन्ग रन जो गेम प्राइसेस सबके लिए डाउन जाएंगे, इंडस्ट्री को हिट, अच्छी गेम्स मिलेंगी एंड गेम प्राइसेस विल गो डाउन. नेक्स्ट पर्सन कहता है बाप का फालतू पैसा है. सीधा और क्या. सम पर्सन एक पर्सन लिखता है सैटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग अ जेन्युइन यूजर. सब लोगों को, कुछ लोगों को सैटिस्फैक्शन भी है उस चीज पे. कैन इट रन क्राइसिस रैंडम. आज तक ये क्वेश्चन किसी ने आंसर नहीं किया. यस इट कैन. अगर आप पायरेटेड गेम खरीदोगे तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा. एक पर्सन स्वीटली कहता है वेयर डू यू बाय चीप गेम्स, गिव एड्रेस प्लीज. ओ अच्छा, तो एड्रेस दो, आप अपना घर का दो एड्रेस, आपके पास आगे ओरिजिनल गेम्स खरीदे लोग. सो बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए कि सम पीपल्स genuinely feel bad about it and say कि मैं original ही लेता हूँ चाहे थोड़े games लूँ, but mostly अगर आप देखो कि जो piracy करते हैं they are emotionally charged towards piracy कि हम बेवकूफ थोड़ी ना है. so there's a sense of accomplishment कि हम pirate करते हैं games, which is kind of distasteful. मैं ये ऐसा है जी IG, it is a very simple thing, it is about mindset और कुछ नहीं है. अभी जिसने like आपने पहले बोला था जिसने करना है pirate वो तो करेगा, राइट. एंड द थिंग इज, जो ये जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें एडवांटेज क्या है मुझे, कि जब मुझे फ्री में मिल रहा है व्हाई शुड आई पे. बेसिकली क्या है कि नॉट मुझे फ्री में मिल रहा है, कि मुझे फ्री में मिल रहा है और कोई मुझे पकड़ नहीं रहा है. द पॉइंट इज दैट कि मुझे कोई जेल में डाल नहीं रहा है इसके लिए, सो आई विल डू इट, यू नो. तो फैक्ट इसके ऊपर आता है कि आपके इंट्रोस्पेक्ट के ऊपर, कि अगर आप कुछ गलत चीज कर रहे हो, चाहे पायरेसी है चाहे कुछ भी है, आप इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप पकड़े जाओगे, आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपका कोई मॉरल कोड है जो कहता है नहीं करना चाहिए मुझे. एक पर्सन का बड़ा क्रिएटिव रिस्पांस है, कहता अगर पैसे हैं और वाइफ नहीं है तो ओरिजिनल खरीदो, अगर वाइफ है और पैसे भी हैं तो पायरेटेड खरीदो, क्योंकि वाइफ तो पैसे बचा कुछ खर्चने देने की नहीं. बेसिकली उसका ये मतलब है कि अगर आप पैसे और छड़े हो तो ले लो, इफ इन केस पैसे और छड़े नहीं हो तो पायरेटेड लो, वो बेटर है. अच्छा मैं आपसे एक बात कहूँ. हाँ जी सर. जैसे मुझे क्या लगता है कि ये जैसे स्मोक बता रहे थे कि थोड़ा माइंडसेट की बात, जैसे किसी को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए ना कि जैसे क्या फायदे होते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लाउड पे गेम्स की सेविंग क्या होती है, क्या होता है कि मैं अपने इस कंप्यूटर पे जो गेम खेल रहा हूँ और जो सेव था वो वहाँ हो गया और मैं दूसरे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे गया, वहाँ से दोबारा शुरू हो गया. अब
पायरेटेड गेम होता तो ये फीचर तो नहीं मिलता मुझे। दूसरा जो कॉपीज होती हैं वो कैसे आराम से सेव रहती हैं कि आप एक बार गेम खरीद चुके हो आप डाउनलोड कर लो। तो ये छोटी छोटी फीचर्स जो हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। पायरेटेड गेम आपने चलाए होंगे तो जरूर यहाँ बहुत कमेंट्स आते हैं चैनल पे भी कि ये वाला फला फला एरर आ रहा है और ये गेम कैसे चल रहा है। चलिए वो लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पायरेटेड गेम आपने चलाया और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो वो क्या मजा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और सीधे आप गेम खेलते हो पूरा एंजॉय करते हो। फिर पता है आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाता है, आप कहते हो कि मेरा आराम से काम चल रहा है। दूसरा क्या होता है, एक थोड़ा सा ना वही वाली बात है कि थोड़ा फील आने लगती है कि कैसे ये गेमिंग वगैरह भी कैसे होती है, गेम खरीदना वरीदना क्या होता है। मतलब जैसे कोई है जिसने स्टार्ट करी है गेमिंग, लाइक उसे कुछ नहीं पता, कभी कुछ नहीं खेला उसने, उसने सिर्फ देखा वेखा ही है। आजकल YouTube के जमाने में तो बहुत कुछ देखा है, खरीदा भी तो उसने कुछ भी नहीं है। वो जैसे आता है तो उसको एक हवस सी होती है कि पागल हूं कि मैं 3 गेम खेलूंगा, मुझे खेलने 3000 गेम। हाँ। तो वो तो मैं खरीदने से रहा, तो एक के बाद एक मैं उसे ट्राई करता चला जाऊंगा, वो मैं फ्री में कर सकता हूँ। सही बात है। फिर जैसे ही आप मैच्योर होते चले जाते हो आपको पता चलता है कि आप 3000 गेम नहीं खेल सकते हो, नहीं खेल सकते, पॉसिबिलिटी गिने चुने गेम खेल सकते हो। तो मैं आपको अपने वो चूज कर लो और वो आप, और वो भी चूज मत करो, आपको जरूरी नहीं है कि वो आप 4000 का ही गेम खरीदोगे, आप उसे चूज कर लो, जब डिस्काउंट वगैरह आए तब 500 का 250 का खरीद लो। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जो पायरेटेड गेम्स जब ली थी बहुत थोक में एंड अदर थिंग्स, मैंने उनको इतना एंजॉय नहीं किया, बट अगर जो मैंने चीज़ खरीदी थी जैसे डायाब्लो खरीदी या कुछ जो मैंने एक्चुअल अपने पैसे से खरीदी थी, मैंने उन गेम्स को ज़्यादा इंजॉय किया। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक सेंस ऑफ प्राइड उस गेम्स में ज़्यादा आया। तो आप बल्क में गेम, तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेल सकता हूँ, बट इन्जॉयमेंट तुम्हें किसी भी गेम से नहीं मिली। एंड आपने कोई थोड़ी सी ये पहले तो सिरदर्दी ली उसको इंस्टॉल करने की, फिर जब खेलने पे आए कोई तुम्हारे दिमाग में होता है कि ये गेम ट्राई कर लेते हैं, ये गेम ट्राई कर लेते हैं। जो मैंने एक्चुअल खरीदी है मैंने उनको इन्जॉय भी किया और पूरी तरह खेला है। सो सम देयर इज अ कोरिलेशन कि कोई चीज़ हम अचीव करते हैं और खरीदते हैं, कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है, दोनों की रिस्पेक्ट बहुत डिफरेंट है एज ह्यूमंस। आई फील कि हर एक पर्सन में जो आपने अगर कोई चीज़ खरीदी हो, जो आपने पहले अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदी हो, वो और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। हाँ जी, एक चीज़ है कि इट इज़ ऑन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूट्यूबर्स और गेमिंग कम्युनिटी जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो टू गाइड पीपल जो मे बी न्यू है या मिड लेवल गेमिंग में है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप जब आप बात कर रहे थे किसी ने न्यू पीसी या न्यू कॉन्सोल या कुछ भी हो गेमिंग में न्यू आया हो और वो सोच रहा है कि इस तरफ जाऊँ उस तरफ जाऊँ, सडनली उसका दोस्त आ जाए कहे जब वो गेम खरीद रहा है कि यार तू खरीद क्यों रहा है, तो पायरेट कर ले, या उसको यूट्यूब पे मिल जाए थंबनेल हाउ टू जेल ब्रेक यू नो सर्टन वीडियोज एंड सर्टन गेम्स एंड ऑल, जो बहुत यूट्यूबर्स है जो करते हैं। एंड आई से शेम ऑन देम क्योंकि वो गेमर्स है, प्रो गेमर्स है, नहीं सीरियसली दे आर हाई लेवल गेमर्स, प्रो नहीं है दे आर गेमर्स इन अ सेंस के वो जानते हैं, वो काफ़ी टाइम से है एंड वो ऐसी चीज़ अपनी चीज़ को जिसको प्यार करते हैं उसको अब्यूज कर रहे हैं, सो दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। नाउ द थिंग इज दैट ऐसी चीज़ में फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू कोई आपको बता दे कि यार स्टीम है, यू गो टू स्टीम ओरिजिन वॉट एवर ब्लिज़र्ड स्टोर या अभी एपिक स्टोर एट्सेट्रा, स्टीम पे आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, आपको बैजेस मिल रहे हैं ऑफ हाउ मेनी गेम्स यू कलेक्टेड, एक कम्युनिटी बन रही है स्टीम पे, इट इज़ व्हाट इनकरेजेस यू। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं PS2 के टाइम पे वी हैड नो गेम्स अवेलेबल, तब पायरेटेड गेम्स ही थे, वो लेंस चेंज हुआ हुआ था, इट वॉज अ टेरेबल एक्सपीरियंस, किसी में साउंड नहीं चल रहा, किसी में कुछ नहीं, किसी में टेक्सचर गायब, गॉड ऑफ वॉर की सेव बीच में, एग्जैक्टली आई रिमेंबर कि 10th लेवल और समथिंग सेव ही नहीं होती थी, एग्जैक्टली। देन उसके बाद व्हेन आई शिफ्टेड टू 360 मतलब एक्सबॉक्स 360 PS3 और ये ना द होल पॉइंट कि मैं एक एक गेम खरीद रहा हूँ, चाहे मैं बचा बचा के खरीद रहा हूँ, बट जब मैं अपने कलेक्शन को देखता था, अब मेरे पास इतने हो गए, मेरे अचीवमेंट्स भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, एक सेंस ऑफ प्राइड ओनरशिप आता है, वैल्यू आती है कि मैं इस गेम को अभी 4 बार खेलूंगा, अच्छी तरह से खेलूंगा क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। फिर आई जी थोड़ा सा डाइग्रेस, फिर होता है कि आपकी जब छोटी कलेक्शन होती है, फिर आपकी जब बड़ी कलेक्शन हो जाती है, जैसे मैं अपनी कलेक्शन को रोज देखता और फिर सोचता यार कितने खर्चे हैं, क्यों नहीं। द थिंग इज द सेकंड थिंग इज एक तो ये है अवेयरनेस की, सेकंड है अवेयरनेस ऑफ द इंडस्ट्री,
जो इंडिया में हम वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं टू शो पीपल कि ये ठीक है आपने गेम तो खेल ली, आप हर एक न्यू गेम के पास भागे चले जा रहे हो, लेकिन एक बनी कैसे है, दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग नाइट एंड डे अपने फैमिलीज को छोड़ छाड़ के ये काम कर रहे हैं इस पे, you know, and they are the people who ये actually में creator खुद हैं, इसलिए ये उनके दिल का नहीं नहीं creator तो हम सभी हैं, हम YouTube creators हैं, तो we are creators in a way, we are all creators. So the thing is that CanKicks भी है, the thing is that जब हम ये करते हैं and we see के you know industries are closing, story based games कम हो रहे हैं, online games increase हो रहे हैं, proper story experiences तो almost खत्म ही हो चुके हैं PC पे, except for some double A's and indies. This is because people, because of piracy. अब लोग कहते हैं कि बताओ करियर गेमिंग इंडिया में कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें. मैं आई एम फ्रॉम अ आईटी बैकग्राउंड एंड अदर थिंग्स, और लिटरली जो लोगों ने प्राइसेस क्रैश कर दिए गंदे हैबिट्स अनएथिकल हैबिट्स के कारण है, मेरे को चुभता, मेरा बिजनेस हर्ट होता है, और मेरे को चुभता है कि इफ इन केस हम इंडियंस ने खुद की मार्केट आईटी मार्केट खराब ना की होती, ऑल दोस फ्रीलांसर्स जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं करते एंड देन दे डू इट एट द रॉक बॉटम प्राइसेस, इतने गंदे प्राइसेस पे काम करते हो, मैं वो चार्ज ही नहीं कर सकता. मैं किसी क्लाइंट को अगर बोलूंगा $15 या $30 पर आवर, वो तो हंसता है मेरे पे कि इंडियंस तो $2 पे काम करते हैं. खुद ही हम अपना नुकसान करते हैं. सेम गोस फॉर गेमिंग. हम कहते हैं कि गेमिंग करियर इंडिया में कैसे बनेगा और किस तरीके से बनेगा, डेवलपर्स क्यों नहीं है यहां पे. हाँ, तब से शुरू होगा जब इंडस्ट्री आएगी. व्हेन विल फ्लरिश द इंडस्ट्री, फ्लरिश इंडिया में कब होगी, जब पायरेसी बंद होगी. हाँ, पायरेसी क्यों, बिकॉज इफ अगेन व्हेन वी स्पोक पहले आईजी के, जब आप जब ये बंदे जो हैं जो कहते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, अब एक चीज होता है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द एनवायरनमेंट. भाई मैंने प्लास्टिक का कप बाहर फेंक दिया रोड पे, मैं डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा, मेरा क्या फायदा होगा. फायदा ये है कि यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश, कि इन मे बी 10 years और वट एवर यू गोइंग टू सी आपकी जो नेबरहुड है आप उसी को गंदा कर रहे हो. Exactly. चाहे आपका घर भी साफ हो. अब द थिंग इज, ये जो पायरेसी का है, व्हेन यू गेट अ पायरेटेड गेम, वो उसका पिंग तो हो नहीं रहा कि आपने खरीदा है. विद द रिजल्ट आपके 10,000 बंदों ने गेम खरीद लिया, उसमें से दो ने, आई मीन 10,000 ने पायरेटेड किया, उसमें से मे बी 50 ने गेम खरीदी है, तो वहां रजिस्टर तो 50 की हो रही है. वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया में तो गेमिंग ही नहीं, छोड़ो इसको, why should we have discounts? हमने इतनी नेगेटिव बात, हमने सारी नेगेटिव पॉइंट्स, ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए हैं पायरेसी के बारे में. जो अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर मैं पीछे देखूं, I got introduced to gaming because of piracy. ये एक चीज थी कि it's an ease in towards original games. मैंने वो गेम्स एक्सप्लोर की जो मैं वैसे कभी ना करूँगा. आई एक्सप्लोर्ड RTS, आई एक्सप्लोर्ड FPS. नहीं तो मैं FPS बैठ के खेल रहा होता, या फिर मैं RPG खेल रहा होता. मैंने एक्सप्लोर बाकी जॉनर्स को क्यों किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि मेरे पास एक फ्री एक्सेस था. चाहे पायरेट करके मैंने वो गेम देखी, मेरे को अच्छी लगी, एंड आई वेंट अहेड एंड आई सेड कि मैं ये चीज़ को खेलूंगा, एंड आगे जाके आई बिकेम अ ओरिजिनल बायर ऑफ दैट गेम. सो मैंने पायरेटेड गेम्स भी जो खेली थी और जो मेरे को बहुत पसंद आई है, आगे जाके जब मेरे पास फंड्स थे, पैसे थे, मैंने वो गेम्स खरीदी स्टीम पे या फिर उसके ओरिजिनल बॉक्सेस. सेकेंड चीज जो है इस गेम प्रिजर्वेशन. अब जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपली पुट, मैं ज़्यादा उसमें जाऊँगा नहीं, कि अगर डेवलपर बंद हो जाता है और गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सम गेम्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री, अगर वो डेवलपर बंद हो गया, पब्लिशर बंद हो गया, गेम आज के सिस्टम्स पे कैसे चलेगी, विंडोज जो नए विंडोज हैं उन पे कैसे चलेगी, एंड वो पैचेस वगैरह कौन करेगा. सो ये जो पायरेसी है, ये फैसिलिटेट करती है कि जो मॉडर्स हैं वो पुरानी गेम जो एक्सटेंट जो मर चुकी थी, जो नई न्यू जनरेशन कभी उस गेम को, दैट आइकॉनिक गेम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए उन्होंने वाइड स्क्रीन पैचेस डाल के, कंपैटिबिलिटी पैचेस डाल के, न्यू जो टेक्सचर फिल्टरिंग है, न्यू ग्राफिक इनोवेशंस हैं, वो डाल के क्लीन अप करके उस गेम को प्रिजर्व किया है. सो गेम प्रिजर्वेशन, बिकॉज यू कैन नॉट से कि कल कंपनी जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी फॉर ईयर्स. कंपनियां बंद होती हैं, बट गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गेम पायरेसी इज समथिंग. गेम पायरेसी एंड एमुलेशन, ये दो चीजें हैं. एमुलेशन मोर सो, एमुलेशन इज फॉर मोर टुवर्ड्स कंसोल गेमिंग्स. बट पीसी गेमिंग्स का क्या, जैसे नो वन लिव्स फॉरएवर, जिसका जो बेसिकली वी नेवर गॉट, व्हिच इज अ सच अ इंपॉर्टेंट गेम, उस इट विल नेवर गेट अ रीमास्टर और रीमेक. और वो पुरानी मेरे पास जो डिस्क है, ये वाली नो वन लिव्स फॉरएवर ना, जो आपका नो वन लिव्स फॉरएवर का जो है, दैट इज मोर ऑफ अ लेबर ऑफ लव, जो उन्होंने न्यू गेम्स, न्यू कॉन्स, न्यू पीसीज पे अलाउ किया इट फॉर इट टू वर्क. एग्जैक्टली, अगर पायरेटेड कॉपी पुराना भी होता, इट वुड स्टिल हैव नॉट वर्क्ड ऑन मॉडर्न विंडोज. पुलिंग आउट द नो वन लिव्स फॉरएवर के मेरे पास बॉक्सेस हैं,
original. Now these are original games with manuals and other things. अब these games do not work. क्योंकि Windows XP के लिए बनी थी, 98 के लिए बनी थी. They do not work. But I wanted to play them. अब इसका कोई publish किसको नहीं, किसी को नहीं पता कि इसके rights किसके पास हैं. So I got a nice community जो इस game को support कर रही है. And they are patching it up, white screen patches. I wouldn't call that piracy. Piracy नहीं है, but torrent कर रहा हूँ ना. ठीक है, but the thing is that if it was a pirated game, तो वो तो वो भी XP और 98 पे चलता. Piracy is के developers के permissions के बिना, publishers के permissions के बिना, you're doing it. एक second, IG sir, हमारे headphones गिर गए, just hold on. So basically piracy is what के torrents. Illegal sources. It's an illegal source जिसपे मैंने No One Lives Forever download की है, but I could experience a game जो वैसे बंद हो जाती. So that's what my point is. See, वो that is a little different because उस चीज में hurt नहीं हो रहा कोई. अब No One Lives Forever कोई original तो बेच नहीं रहा. ठीक है ना, मिल रहा ही यहीं से. So even if it is being torrented, it is not वो उनको कोई hurt. It's still illegal. It is illegal, but no one is being harmed by it. That is the difference. The publisher and the developers can have a legal case on me. Yeah, they will put a legal case no matter what. वो अलग चीज है. The thing is that जो first point था of piracy being a gateway into gaming. अब ये IG, can you hear? Yeah. हाँ, जो हमने पहले भी बात किया था कि पायरेसी के मेनी पीपल कहते हैं कि इट इज़ अ गेटवे. इट हैज़ बीन. मैं पास्ट इसलिए, पास्ट टेंस इसलिए कहता हूँ क्योंकि बैक इन द डे हमारे पास यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट वॉज नॉट एज फास्ट एज इट इज़ नाउ, ना हमारे वेबसाइट्स इतने सोफिस्टिकेटेड थे, और डेमो डेस तो चलो एक दो थे. आज के दिन में क्या है कि इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस अ गेम, एक्सपीरियंस मतलब देखना चाहते हैं कि भाई ये RTS क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो यूट्यूब खोल सकते हैं, वो लिटरली पूरा पूरा गेम उसमें देख सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है. एंड दैट इज इनफ टू टेल यू कि भाई मैं खरीदना चाहता हूँ, नहीं खरीदना चाहता हूँ, राइट. सो दैट एक्सक्यूज ऑफ सेइंग कि भाई मैं इसको पहले पायरेट करूंगा और फिर मैं खरीदूंगा, दैट मेक्स नो सेंस. क्योंकि अगर आपने पायरेट किया गेम को इन दिस डे एंड एज, यू प्लेड द होल गेम, तो आप फिर बेवकूफ हो गए कि आपने वही गेम जाके यू पेड 2000 रुपीज फॉर इट, यू नो, जब आपने पूरी खत्म कर दी है. या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे खेल के थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया हो. नहीं, अगर वो बंदा वैसा करे तो बहुत बढ़िया है, बट वैसे कितने करते होंगे, यू नो, लॉजिकली अगर करे, द पॉइंट इज अगर करे. एग्जैक्टली, वो चीज होती है कि अगर करे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन जो है. एंड जहां तक अब मैं दो जस्ट लिटिल हायर लेवल एग्जांपल, वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटे ब्रीफ, इन अ वेरी स्मॉल, जिसको कहते हैं हिंदी में संक्षिप्त कहते हैं ना, संक्षिप्त, उस मैनर में, देयर वाज अ गेम कॉल्ड जायंट सिटीजन कबूटो, जिसका जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर था, इट वाज द फर्स्ट एवर मल्टीप्लेयर गेम जिसके अंदर जो जिसको कहते हैं एसिमेट्रिकल गेम प्ले था, जहां पे एक जैसे इवॉल्व का गेम प्ले, जहां इक्वल लोग, इक्वल यूनिट्स नहीं लड़ रहे थे. सो यू विल हैव अ जायंट, अ बिग जायंट फाइटिंग स्मॉल लिटिल लिटिल यूनिट. सो प्लेयर, इट वॉज अ एसिमेट्रिकल मल्टीप्लेयर, ब्रिलियंट. उसको इट सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दीज इलीगल मॉडिंग साइट्स एंड अदर थिंग्स. मॉडिंग साइट्स बहुत बंद होगी, द लास्ट मॉडिंग साइट जहाँ से मैं लेता था वो भी बंद हो गया. सो आई फील बैड बिकॉज आई कैन नॉट एक्सपीरियंस सच अ ब्यूटिफुल गेम अगेन. सो वो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ होती है कि दिस सम गेम्स डिजर्व टू बी प्रिजर्व. अभी पायरेसी इज समथिंग दैट, सी द थिंग इज आई जी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. अब इसका मैंने आपसे ये भी बोला था कि ताली दोनों हाथ से बचती है, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दीज पब्लिशर्स एंड डेवलपर्स. नाउ वी स्पोक अबाउट CD Projekt Red. मैं आपको वो बात की थी कि एग्जांपल है, दे से दैट वी डू नॉट पुट एनी कॉपी प्रोटेक्शन ऑन आवर सॉफ्टवेयर. एग्जैक्टली, उनका ये है कि आर क्वालिटी ऑफ एन एथिक्स शुड बी सो गुड कि द पर्सन ओनली फील्स बैड व्हेन दे पायरेटेड. अब वो ठीक है, दैट इट कुड बी नाइव, यूबीसॉफ्ट वाले दो दो पायरेसी सॉफ्टवेयर, दैट इज यस एंड नो. वो एक दो वो कह सकते हैं अच्छा है, नहीं आ सकता. उसका डिबेट इज कि पुराने व्हेन योर बॉल्डर्स गेट वगैरह था, those games were also very good, but वो भी pirate होते थे. So जिसने pirate करना है वो तो करेगा. The point is के अगर आप, अगर publishers भी malpractices करेंगे, games overvalued जैसे Destiny and all these games जो overvalued है with barely any content देंगे, then people will also get cheesed off. You know कि आप क्या कर रहे हो, एक तो आप box, जो box game है उसमें कोई कुछ मिलता तो है नहीं, जो डिजिटल गेम है दैट इज मोर एक्सपेंसिव, प्लस आप कोई कंटेंट नहीं है, फिर मैं दोबारा DLC के लिए पैसे दूंगा, बाहर में जाओ, मैंने तो करना ही नहीं.
you know, that is also something which Jain jo bolne ki koshish kar raha hai, if I have to put it, ki kya point kya banane ki koshish kar raha hai. Aapko GOG ka pata hai, IG sir? Basically GOG GOG.com. ab ek subtle difference hai Steam aur GOG mein. Steam में DRM होता है, so it's तो you never own the software. आप Steam के through इसको खेल सकते हो. GOG gives DRM free. And people, interestingly enough, वो GOG के लिए ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं, Steam के लिए कम पैसे, baby वो चीज़ नहीं खींचते. So we respect and value if in case respect is shown to us. If developers respect us, they respect our money, our prices, वो DRM जैसा गंद नहीं डालते हैं, वो prices जो हैं they adjust that prices for us, for our markets, Indian markets. हम भी respect करेंगे. We respect these things. और बात ये भी है DRM के issue में और respect के issue में भी, कि जैसे अगर आप एक company और आप सोचते हैं कि रोक लेंगे आप, तो लोगों से तो आप नहीं जीत पाएंगे. DRM टूटते हैं, उन्हें time लगता है, crack भी होते हैं. और problem ये है, Ubisoft ने बहुत कोशिश की. हाँ नहीं, वो जमाने से लोग कर रहे हैं, वो गारंटी भी देते हैं कि ये तो पक्का DRM है, ये नहीं क्रैक हुआ. वो हो जाते हैं, टाइम लगता हो जाते हैं. लेकिन दुख की बात ये है, जो दुख की बात है कि जिसे मिलना था फ्री में, उसने जब तक नहीं खेलना उसको तो मिल गया फ्री में, छह महीने बाद मिल गया, ठीक है, उसे वैसे भी वैल्यू नहीं थी. दिक्कत हुई उस बंदे को जिसने खरीदा, उसका पीसी इतना पावरफुल था नहीं, और उसको मिलेगा गंदा एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट DRM. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है. तो इन अ वे इट इज एक्चुअली किलिंग द इंडस्ट्री ना. और फिर लोग उस चीज पे चले जाएंगे जैसे मोबाइल पेमेंट सिस्टम होता है, फ्री टू बाय बट पे टू विन, फ्रीमियम मॉडल. फ्रीमियम मॉडल एंड देन दैट इज व्हाट हैपेंस. सो इन अ वे इट इज अस हु आर पुशिंग समथिंग लाइक दिस. अब ये नहीं किया, क्यों वो ऑनलाइन गेम्स में जा रहे हैं, शेयर्ड वर्ल्ड्स में जा रहे हैं? Because earlier what happened was ek they were I'm not completely into the details, na main jaunga usme, but there were these suddenly ye lawsuits aane lag gaye to people for piracy torrents ke liye. It was for stupid, they sued a dead person also, then they sued someone who was a single mother and don't know who. Bahut sare emulators pe bhi bahut hua. And the head of EA tab koi aur tha, he said ke this is not the way we should do it, we should find alternative means in forming a different form of play. Exactly. Which That's meant online. Convenience, right prices, accessibility. Nahin. What he said was, what he meant was ke always online. Always online. So that is why we've killed the single player story experience. इन्होंने देखा कि भाई एक तो इसके साथ हम piracy भी मार सकते हैं और पैसे भी ले सकते हैं, ना हमें story और acting वालों को कुछ पैसे देने की जरूरत है. क्योंकि online games में कम piracy होती है. Exactly. जो online games चाहिए, जो online multiplayer games है, उनको नए patches चाहिए, balance patches चाहिए, तो उसमें piracy कम होती. And that's why games developers have gravitated towards making multiplayer games rather than making single player games. So, उसमें पायरेसी इसलिए भी कम होती है क्योंकि एक तो जब आप ऑनलाइन हो तो हमारे पास आओगे ना, कनेक्ट तो हो गए, बिल्कुल, तब पता कर लेंगे ना क्या exactly. पायरेटेड लिया है. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि उस लेवल पे अगर आप करना भी है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड. मल्टीप्लेयर भी नहीं, इवन द लाइव सर्विसेज गेम्स के लिए भी आपको कनेक्ट होना पड़ता है, जैसे डिविजन हो गई या फिर जो डेस्टिनी 2 है एंड एंथम जो आ रही है. मोर एंड मोर लाइव सर्विसेज गेम्स क्यों आ रही है, यूबीसॉफ्ट की सारी मोस्टली लाइव सर्विसेज गेम्स है बिकॉज वो पायरेसी किल करना चाहते हैं. They hate piracy. Now, हमने ये सारी चीजें तो discuss की हैं. Ending thoughts and conclusions क्या हैं? Like इसका कोई solution मुझे है? आपसे एक question आखिरी पूछना है, जो आपका ending thoughts और conclusion भी हो सकता है. तो कंकिक्स और स्मूथशिप एक बात बताएं, जैसे कि ये problem तो है और लोगों से एक्सपेक्ट करना कि अच्छे हो जाओ, अच्छी अच्छी चीजें करो, दान करो, पुण्य करो, तो वो मुश्किल ही है. मतलब उनको अपना एक कोई दिखना चाहिए कि वैल्यू है. तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि पायरेसी की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे किया? जैसे एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैंने जितने भी फ्री गेम्स थे वो शेयर करने शुरू किए लोगों से. मैंने कहा जब आप प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, आपके एक दो वीडियोस देखी है उस पे, बहुत अच्छा. हाँ, वीडियोस भी और मैं पोस्ट डालता हूँ वैसे बेसिकली. लेट हिम कंप्लीट, आप बोलिए आई जी. मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सांगवा को, जो नेपाल से है, वो शेयर करता था मेरे साथ फ्री गेम्स, या कोई भी आती थी, कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी फ्री वाली जो ऑफर आती थी वो शेयर करता था, फिर मैं कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता था. उससे फायदा ये होगा कि जब लोगों के पास स्टीम की कुछ लाइब्रेरी बनेगी फ्री गेम्स है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा फील आनी शुरू होगी
और फिर कोई उनका फेवरेट गेम, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 2500 वाला गेम खरीद लेंगे, फिर उनका कोई गेम जो 500 रुपए या 300 रुपए का हो गया है डिस्काउंट में वो खरीद लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पायरेसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि गेमिंग इंडस्ट्री का ही भला करना है कि वो मेरे फूफा जी की इंडस्ट्री है तो मैं उसका भला करूंगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब मुझे इससे है कि जैसे जो गेमर है उसका भी फायदा हुआ, उसको फील आनी शुरू हुई, अब वो पूरा इंजॉय कर पाएगा, अब वो समझ पाएगा कि जैसे आप हो मैं हूं वो इस फील्ड से क्यों प्यार करते हैं, क्या है क्या हम आप गेम खेलने जाते हो तो क्या ये कर रहे होते हो कि ये वाली कौन सी एरर आ गई है मैं कैसे सॉल्व करूं। आप गेम खेलते हो और इंजॉय करते हो, ये कुछ शुरू की स्टेजेस होती हैं जो पार हो जाएं किसी तरीके से फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब जैसे कुछ भी कहें आप, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अब यहाँ अगर वो अमेरिका वाली गुंजाइश आप रखेंगे लोगों से तो वो तो कभी नहीं होनी, जो कि फैक्ट है, मुश्किल ही है। अब इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आप गेम्स कहाँ से खरीदोगे या हार्डवेयर, मतलब। और आप एक बात समझने की कोशिश करो, अभी भी माइंडसेट, मैं ये नहीं कह रहा गलत है लेकिन ये है माइंडसेट कि हार्डवेयर जो होता है उसको छू सकते हो आप, हार्डवेयर कोई भी नहीं है उसकी डेफिनेशन में कि आप छू सकते हो, देख सकते हो, ये चीज है, मैं इसे खरीद रहा हूँ, इसकी कीमत दे रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है। ये दुनिया पौराणिक काल से यही करती हुई आई है। अब आप कहते हो जो जीरो और वन है, जो डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसे मैं रोज लेता हूँ, इधर से अपने दोस्त से लेके आता हूँ, कभी वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ, तुम उससे कहते हो जो मेरे हाथ में भी नहीं है और जो फ्री में मिल सकता है उसके मैं पैसे दे दूं, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप iTunes का एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं खुद एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैंने कई जो है सर्विसेज यूज करी ये अपना म्यूजिक के लिए, गूगल प्ले म्यूजिक और ये गाना और सावन, और मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स पता चली कि इन तीनों में अंतर क्या है। जैसे ये सजेशन कैसे देते हैं, क्या मेरे वॉइस कमांड पे सावन बजा पाता है नहीं बजा पाता है, सावन और गाना नहीं बजा पाते, मैं बताऊं कई बार फेल हो जाते हैं या गाने भी नहीं होते उनके लाइब्रेरी में, मुझे गूगल प्ले म्यूजिक पे मिलता है। अब जब मुझे ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, पैसे जरूर खर्च हुए मेरे कि इसका सब्सक्रिप्शन खरीदा उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि गूगल प्ले म्यूजिक पे मुझे सिर्फ गाने नहीं मिलते हैं सुनने को, मुझे सजेशंस भी मिलते हैं, मेरी जो लाइब्रेरी या प्लेलिस्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए है, मैं चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ, सारे फीचर्स हैं, लेकिन मुझे कई और आसानियां भी मिलती हैं सिर्फ गाना सुनने के बजाय। तो मैंने जब फील ली तो फिर मुझे समझ में आया, लेकिन ये मुझे एक लगती है बात कि ये कॉन्सेप्ट समझाना कि तुम्हारा फायदा है ये बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के अगर आपके पास भी कोई सोल्यूशन हो तो वो बताइए। एक सेकंड, मेरा बहुत दर्द हो के रखा हुआ है, एक बार शुरू हो जाती है गले में ना, फिर शुरू हो जाती है। आईजी सर, जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात की है आपने, बात की है कन्वीनियंस की, एंड कन्वीनियंस के फॉर एग्जांपल डेवलपर्स, अगर मैं एक एग्जांपल वो भी एक्सबॉक्स का, एक्सबॉक्स हैव स्टार्टेड गेम पास, वी नीड सर्विसेज लाइक दिस। गेम पास क्या, जिन लोगों को नहीं पता कि एक्सबॉक्स गेम पास है क्या, बेसिकली आपको एक इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, जैसे iTunes होगी या फिर iTunes नहीं, गाना हो गया या फिर iTunes Music, Apple Music, Apple Music, बेसिकली आप सब्सक्राइब करते हो, एक मंथली एक फीस देते हो और आपको पूरी लाइब्रेरी जो है नेटफ्लिक्स जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, पूरी की पूरी गेम्स की लाइब्रेरी जो है वो एक्सेस मिलती है। सो अगर मैं एक्सबॉक्स लेता हूँ और एक्सबॉक्स गेम पास लेता हूँ, आई हैव एंड ट्रिपल ए टाइटल्स, नॉट इंडी टाइटल्स, ट्रिपल ए लेटेस्ट रिलीजेस, मेरे को ऑल अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ देम मेरे पास ऑप्शन हो जाती है। सो मेरे लिए बहुत सस्ता और कन्वीनियंट हो गया। सो डेवलपर्स नीड टू मेक मोर एफर्ट्स लाइक दीज, लाइक सोनी हो गया, स्टीम हो गया, दे शुड हैव मोर एफर्ट्स लाइक दिस, जहाँ पे गेम प्राइसेस चुभे ना। अगर मेरे को 50 रुपए में एक पायरेटेड गेम मिलती है और उसी 50 रुपए में मेरे को 100 गेम्स ओरिजिनल मिल रही है, चाहे मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ रहा है, आई वुड ऑलवेज ग्रेविटेट टुवर्ड्स दैट। एग्जैक्टली, सो दैट्स अ बिग सोल्यूशन ओवर हियर जो चाहिए चाहिए। नेक्स्ट इज कि गेम डेवलपर्स जो हैं उनको प्राइसेस इंडिया के लिए रीएडजस्ट करनी चाहिए। लाइक वो क्या करते हैं, वो $60 को सीधा इक्वेट करते हैं इंडियन रुपीज से। व्हाट दे नीड टू रियलाइज के इंडियन रुपी की जो परचेजिंग पावर है एंड डॉलर की परचेजिंग पावर में डिफरेंस है, यू कैन नॉट जस्ट हार्ड कन्वर्ट इट। एग्जैक्टली, आपको कोक वहां पे $2-3 का, $1 का, $2 का मिलता है, आप यहाँ 100-200 रुपए का कोक थोड़ी ना लेते हो, राइट? सो दे नीड टू एडजस्ट इट
एंड स्टीम करता है. फॉर एग्जाम्पल स्टीम में ट्रिपल ए गेम्स आपको कुछ गेम्स तो चलो 4000 पे मिलती है, पर कुछ गेम्स 2500 में, लाइक $60 गेम्स 2500 पे मिलती है. सो दे अंडरस्टैंड द परचेसिंग पावर एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्राइसेस. सो आई थिंक सो वो बहुत जरूरी है एडजस्ट करना. एंड सॉरी एंड लास्ट इज के हम एज अ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी एज अ यूट्यूबर, बाकी हम के हमें अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों को करानी चाहिए कि गेम पायरेसी के क्या नुकसान हैं, क्या कन्वीनियंसेस हैं. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर स्टीम या जिन लोगों को नहीं पता स्टीम क्या है, गॉग क्या है, या अब जब एपिक स्टोर आ रहा है तो वी शुड एजुकेट दोज पीपल ऑफ दीज सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सबॉक्स गेम पास एंड अदर थिंग्स. हमें ऑप्शंस बतानी चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है. सेइंग के पायरेसी गलत है, ये तुम गंदे हो, तुम इलीगल काम कर रहे हो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. हमें उनको ऑप्शंस देनी चाहिए कि ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. तो हमें वो डेवलपर्स की तरह DRM नहीं डालना चाहिए कि ये जो है बंद करो पायरेसी. हमें एजुकेट करना चाहिए एंड वी शुड वो माइंडसेट बदलना चाहिए एंड वो एजुकेशन से होता है. मेरा भी इट इज़ बहुत सिमिलरी टेक है कि इसका एक सोल्यूशन नहीं है, बट इंस्टेड अलग अलग सोल्यूशंस हैं जिनको इकट्ठा चलना चाहिए साथ में. एक तो प्राइसिंग डेफिनेटली है कि द प्राइसिंग नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. गिविंग 3000, आप एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखिए, इंडिया में सैलरीज बेकार हैं और वो बेकार चले जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है. अब एक नॉर्मल पर्सन को देखिए, नॉट एन IIM, नॉट एन IIT, या नॉर्मल पर्सन जिन्होंने नॉर्मल BA BSc किया हो, उसको अभी भी 15,000 to 20,000 मिलता है अपनी पहली जॉब में. अब अगर आप ये सोचो, अब 15,000-20,000 कमा रहा है उस, और रेंट भी देना पड़े उसको, एंड देन कोई उसको बोले कि भाई तूने 4,000 एक गेम के लिए देनी है, वो तो हंसेगा, बोलेगा क्यों करूं मैं, यू नो. तो उस हिसाब से अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इट मेक्स इट राइट कि वो पायरेसी करे ना. उसका एक्चुअली एक लॉजिक बनता है कि अगर वो PC के लिए पैसे दे पाए एक ढंग के PC के लिए जो उस गेम को चला पाएगा कि यू नो ही बी एबल टू डू दिस. पॉइंट इज जो गेमिंग प्राइसिंग गेम्स प्राइसेस है, एक डेफिनेटली मैक्स 2500 से ऊपर जाना नहीं चाहिए. देर शुड बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग दैट इट शुड नॉट गो अबव दैट. स्टीम में तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं एंड ऑल दैट. कॉन्सोल्स में दे नीड टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दिस. अब कॉन्सोल्स में प्रॉब्लम क्या है कि कहते हैं कि डिजिटल गेम्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन फिजिकल बिकॉज उनको ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स की ज़रूरत है. वो अभी भी जैसे मूवीज़ के लिए आप थिएटर जाते हो, म्यूज़िक आप हर जगह सुनते हो, गेमिंग ऐसा का ऐसा कुछ है नहीं. गेमिंग आप कहीं कैफे में देखोगे नहीं कि कोई गेम खेल रहा है. तो द ओनली वे ऑफ डूइंग इट इज़ थ्रू स्टोर्स, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स होते हैं, गेमिंग स्टोर्स होते हैं. तो लोग अपने वो कॉन्सोल्स वगैरह और गेम्स वहाँ रखते हैं, दी पब्लिशर्स जो होते हैं दे. एंड अगर उन्होंने डिजिटल उससे कम कर दिया, देन ये चिल्लाएंगे कि भाई सारी जनता तो उधर जाएगी, हम क्यों रखें आपका सामान, यू नो. सो द थिंग इज व्हाट आई से इज रादर देन कम्पीटिंग ऑन दैट, उनको ये करना चाहिए कि अगर मैं कॉन्सोल्स के बारे में कह रहा हूँ कि अगर फिजिकल गेम है उसमें आप अगर उसको सेम प्राइस में दे रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो दे दो. ये नहीं कि प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर एक प्रिंटेड डिस्क, तो कुछ तो दे दो जैसे पहले होता था. देते थे एंड द फैक्ट इज कि पहले देते थे और पहले जनता कम थी गेमिंग. Now I had these stats, it is going to raise to 2.8 billion the amount of gamers by 2021. और ये 2014 के 1.8 से 2021 तक जा रहा है. Just see the difference. तो इनको अगर ये अभी भी printed materials और अच्छे value boxes में देंगे लोगों को, तो it will make some sense. एक digital कोई skin दे दो, gun का एक costume दे दो, which in development cost nothing. वो एक दिन में एक developer बना सकता है. So, you know, these kind of things, then better value in gaming, malpractices आप कम करो, you know, जैसे अभी ये Ubisoft and so many Blizzard के इतने 72 practices आ रहे हैं of all these people, उनको आप कम करो ताकि लोग भी इतना चीज ऑफ ना हो, क्योंकि they have no, even if they make a game now and sell it, the amount of gamers are far more than they were initially. The apart from pricing, it is community. जो कैनकेक्स कह रहा था, जो आप भी कह रहे थे, जो हमारा एक कम्युनिटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब एक माइंडसेट हो. हम हमेशा ये कहते हैं कि वी डोंट सपोर्ट पायरेसी, जब भी कोई पूछता है नीचे कमेंट्स में हम कहते हैं नो, दिस इज नॉट व्हाट वी टॉक अबाउट हियर, इट इज़ रॉन्ग. यू वांट टू डू इट, यू हैव फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, यू आर आउट. सिंपल, हमने आपको वार्निंग दिया है, हम प्यार से आपको कह रहे हैं दीज आर दी ऑप्शंस यू हैव. यू हैव स्टीम, यू हैव दिस, यू हैव फ्री गेम्स. आजकल इतने फ्री गेम्स है, फॉर्टनाइट इज फ्री, द बिगेस्ट गेम बीइंग प्लेड, ठीक है ना. All these games you can experience. आप सिर्फ ब्रॉडबैंड के पैसे दे रहे हो. अगर आपके पास वो ऑप्शन है और तभी पायरेट कर रहे हो, then you are wrong. And it is once you उसी चीज़ पे मैं नहीं once you have that community of people who are वो एक बंदा देखता है. See, बंदा क्या होता है, वो community से influence होता है.
एक बंदा उसको देख के कह रहा है यार दिस इज वेरी गुड, ये ना देना पड़ता है पैसा, यू हैव टू बाय समथिंग टू गेट समथिंग, दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. उसने बोला ठीक है मैंने 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, 200 250 जो भी स्टीम पे दे दिए. दूसरा भी उसको यही कह रहा है, तीसरा भी उसको यही कह रहा है, उसका माइंड सेट ही वैसे हो जाएगा. बट अगर कोई कुछ कह ही नहीं रहा है और 5 बंदे कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार पायरेसी ठीक है, वो पायरेसी की तरफ जाएगा. सी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, बार बार हम ना बात, जैसे जयंत कहता है कि वार्निंग वन वार्निंग टू वार्निंग थ्री, बात मत करो बात मत करो बात मत करो, हम ना पनिश करने की कोशिश करते हैं. मेरा जो अप्रोच है, आई फील कि हमें ना सेंस ऑफ प्राइड अटैच करनी चाहिए ऑफ ऑन बाइंग ओरिजिनल गेम्स रादर देन पनिशिंग फॉर buying. That is a slow process. See, the thing is कि when a person is asking a comment, उसको आप कोई pride prude नहीं दे सकते. You have to be realistic. मैं generally बात कर रहा हूँ. Comment में no one is going to tell him कि यार it harms the, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि it harms, और वो अपने कल के बारे में सोच रहा है, 10 साल के बारे में नहीं सोच रहा. So you know it is only that when वो that person sees that he or she is alone. और कोई मेरा community नहीं है, मैं अकेले बैठ के bedroom में नहीं खेलना चाहता, मैं इनके साथ भी खेलना चाहता हूँ. That they will switch and change their ways. वर्स्ट चीज क्या हो रही है कि जो डेवलपर्स हैं और पब्लिशर्स हैं, उन्होंने अपनी जो गेम्स को है मार्केटिंग मॉडल एंड सेलिंग मॉडल मैच्योर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न ऑडियंस, सो दे हैव डीएलसीज एंड अदर थिंग्स. इंडिया में तो बेसिक अभी मार्केटिंग मॉडल उनका अडॉप्ट नहीं हुआ है. आप डीएलसी वगैरह पैक करके दो. Exactly. हम ना जितने हमारे पास होगा कि अब ये प्राइस के ऊपर ये प्राइस के ऊपर ये, फिर ये डीएलसी, फिर ये 4 सीजन पास, हमारे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव हो. नहीं, सी द होल पॉइंट ऑफ डीएलसी, जो मैं वही कह रहा हूँ, वो तो फर्स्ट पॉइंट भी आ जाता है कि वो एक मैल प्रैक्टिस है. आप पहले क्या होता था कि डीएलसी को वॉज एन एक्स्ट्रा फ्रॉम दी ओरिजिनल गेम. अब क्या है कि डीएलसी नहीं है, वो एक्चुअली जो ओरिजिनल गेम का था उसी को 3 हिस्सों में काट के आपको बेच रहे हैं. वो तो मैल प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स, बट मैं बात क्या कर रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल मैच्योरिटी है. आपने ये डीएलसीज क्या है, टू अर्न मोर रेवेन्यूज फ्रॉम योर गेम्स. प्रॉब्लम इज कि अभी इंडिया के लिए वो मॉडल नहीं चल सकता डीएलसीज एंड अदर थिंग्स का. आप गेम्स को पूरा पैकेज करो, सीजन पासेस डालो एंड अच्छे प्राइस पे इधर इंडिया में बेचो, तभी अडॉप्शन बढ़ेगी उस गेम्स की. डीएलसीज के साथ क्या होता है, फिर बंदा और चीज ऑफ हो जाता है कि मैं पायरेटी करनी है, वो तो है, वो वाली चीज हो जाती है. सो दैट्स व्हाट माय थॉट इज, एंड सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए. जैसे आप लोग बता रहे थे ना, जैसे एक तो साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई देखो मत बात करो पायरेसी के बारे में, वी डोंट सपोर्ट इट. और एक जो है कैंकेक्स ने बताया कि आप थोड़ा ये इसको थोड़ा बूस्ट अप करो कि अगर आप नहीं करते हो दैट्स अ गुड थिंग, गुड थिंग, एंड और आप जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो अगर आप ये कर रहे हो. और मैं दोबारा तीसरे पॉइंट पे आता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसको उसका फायदा बता दो. नहीं, वो तो बताना, वो तो ठीक है, जो आपने दोनों पॉइंट्स कहे ना वो दोनों बिल्कुल सही थे. उसको तीसरा पॉइंट, ये जो है तीसरा पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी तीसरा पॉइंट जुड़ जाएगा तो गारंटी बढ़ जाएगी कि पायरेसी कम हो और वो जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदे. अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, सबको स्पिनटायर्स खेलना था बहुत, ये मैं सालों से देख रहा हूँ क्योंकि वो आज भी वीडियोज पड़े हुए हैं, उस पर आज भी कमेंट्स आते रहते हैं. अब सबको वो खेलना है और सब पायरेसी भी कर लेते हैं ज्यादातर लोग, कोई बात नहीं कर लीजिए आप. फिर उन्हें पता चलते हैं कि जो मेन गेम है उसमें सिर्फ 8 व्हीकल्स हैं, जो गेम है वो 8 व्हीकल देता है बस. और अगर आपको वो 1000 से ऊपर व्हीकल्स चाहिए जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें तरह तरह के ट्रक्स हैं, टैंक्स हैं, गेम ट्रक्स का उसमें टैंक्स भी हैं और पता नहीं क्या क्या है, अगर आपको वो मजा लेना है कि मैं ये वाला व्हीकल चलाऊंगा तो कैसा बिहेव करेगा और वो वाला व्हीकल चलाऊंगा तो उसके लिए आपको मॉड्स चाहिए. वो पायरेसी होती नहीं क्योंकि उसके लिए आपको वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा स्टीम की, और वो मॉड जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. मैप्स भी जो है अगर आपको नए चाहिए तो डाउनलोड करना पड़ेगा. अब ये कई लोगों के लिए मजबूरी बन गया. Exactly. अगर उन्हें 8 व्हीकल्स के ऊपर चाहिए था तो उन्हें जाना है तो अगर, लेकिन लोगों को ये बताना मेरा और आपका काम है और कई और लोगों का भी जो गेम कम्युनिटी के हैं कि तुमने जो गेम डाउनलोड किया था वो खराब नहीं है गेम, वो पायरेटेड गेम है इसलिए उसमें मॉड्स नहीं आ सकते हैं. अगर तुम्हें मॉड्स चाहिए तो जाके खरीद लो. ये सिर्फ बताने का काम भी अगर आप कर दोगे ना तो लोगों के समझ में आने लगेगी कि क्या होता है खरीद के खेलने का एक्सपीरियंस. नहीं, जो मैं वो कह रहा था वार्निंग का, दैट वाज कि हम हमेशा वार्निंग के साथ ये बोलते हैं
वी ऑलवेज से यू आर हार्मिंग द इंडस्ट्री, दिस इज दिस दिस दिस, उसके बावजूद बंदा नहीं माना तो ऑब्वियसली आप उसको कट ऑफ कर दोगे। नहीं, आपने आईजी सब बिल्कुल सही बात की है, ये चीज बहुत मुद्दे वाली है कि आप जो है एक गेम को, बेस गेम को रीजनेबल प्राइस पे या बहुत ही या फ्री या बहुत ही जिसको कहते हैं शिट प्राइस पे बेचो और उसके ऊपर जो मॉड्स हैं, जो बेसिक अदर चीजें हैं, दैट्स अ मोर टेस्टफुल वे ऑफ डूइंग इट, एंड लोगों को पता चलेगा कि हाँ पायरेटेड गेम्स में ये नुकसान है और ओरिजिनल गेम्स में ये बेनिफिट है। बट उसको ध्यान से करना चाहिए कि वो ओवरडू नहीं होना चाहिए कि हाँ, जो वो तो देखिए ऑब्वियस है। अब प्रॉब्लम ये होती है जैसे डीएलसी था वो एक्चुअली में बना था कि हम अपने फैंस के लिए और भी ज्यादा एग्जैक्टली हमने जो गेम बनाया था वो आपको और अच्छा लगा तो आपको और ज्यादा चाहिए था तो हमने और बना दिया और आपको दे दिया। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब तो जैसा जो स्मोक कह रहे थे कि अब तो स्ट्रेटजी यही होती है कि अगर 100% गेम बना है तो इसे 30% रिलीज करो, बाकी रोक लो और वो बेचेंगे फ्री में भी नहीं देंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है डीएलसी का, जो लिटरली डेस्टिनी में होता है, द गेम इज ऑन द डिस्क। डीएलसी वाज एक्चुअली डीएलसी का जो ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन किस लिए हुआ था, यूज्ड गेम मार्केट को तोड़ने के लिए। कि गेम क्यों रखेगा पर्सन खेलने के बाद, वो तो बेच देता है वापस, ट्रेड कर लेता है और उसमें डेवलपर को कुछ मिलता नहीं है। डीएलसी से क्या होता था कि डीएलसी वाज अ वे टू रीइंफोर्स कि वो गेम रखेगा, क्योंकि आगे 6 महीने बाद एक नई डीएलसी, फिर एक 4 महीने बाद एक नई डीएलसी, तो वो ओरिजिनल गेम बेस गेम को रखेगा। डीएलसी का पर्पस ये था, वो शुरू इस चीज से हुई थी। अब हमने उसका कुछ हॉर्स आर्मर बना दिया, कुछ और ही निकाला। सो वही है, ताली दोनों हाथों से बजती है। द डेवलपर्स ऑल्सो अगर उनको अगर वैल्यू बनाना है दे हैव टू डू दैट, हमें भी अवेयरनेस बताना चाहिए। और वो जो आपने बोला ना बिगनिंग में एक लाइब्रेरी फ्री गेम्स के साथ बनाना, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है हमारे दिमाग की, मेरा ना कलेक्शन है, जैसे हम छोटे होते थे टॉय की कलेक्शन है और हम अरेंज करके, हम तो अभी भी करते हैं कलेक्शन करके देखेंगे और उसमें एक और आ गया तो एक वैल्यू, एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि कुछ प्राप्त किया है मैंने। सो जब आप ऐसे करके वो फ्री गेम्स दोगे, वो बंदा भी ये सोचेगा यार मुझे देखो कम्युनिटी भी मिल रही है, अचीवमेंट्स भी मिल रहे हैं, ये फ्री गेम्स, अब मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, चाहे मैंने 200 की भी खरीदी हो, वो मेरे पेरे लाइब्रेरी में आ रही है, पायरेटेड लूंगा तो उसमें आएगी नहीं। ये एक एक्स फैक्टर होता है जो डेफिनेटली लोगों के दिमाग में होता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वैसे अपने पायरेसी से रिलेटेड ही है। क्या होता है इन द एज ऑफ इंटरनेट, अब लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि मैनी डिजिटल गुड्स शुड बी फ्री, स्पेशली इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, कि उसके लिए थोड़ा पैसे देना, लाइक इंफॉर्मेशन के लिए भी और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी, इंफॉर्मेशन के लिए भी, मैं ये बात गौर करवाऊँ कि इसको इसके पैसे नहीं देने चाहिए और ये फ्री होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है इन दी एज ऑफ इंटरनेट में कि अगर आप इस तरह का मॉडल अगर चलाते हो आप, जैसे ये फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री डिजिटल गुड्स, तो फिर कहीं से तो पैसे कमाने हैं जो वो इंफॉर्मेशन ला रहा है बंदा या डिजिटल गुड्स बना रहा है। फिर शुरू होती हैं उल्टी सीधी चीज़ें, जैसे इंटरनेट में एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, किसी को अच्छा नहीं लगता यूट्यूब से पहले एड वैड देखना, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दूसरा फिर फ्री की, अगर आप फ्री वाला मॉडल चलाते हो, ये मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, अलग ही बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आप फ्री का मॉडल चलाते हो तो फिर मैं फ्री में चीज देता हूँ, स्मोक भी एक फ्रीज में चीज देते हैं, हम दोनों में से बेहतर किसकी हुई? फ्री तो दोनों ही है। अगर मैं बेहतर बनाता तो मैं उसकी प्राइस ऊपर रखता और स्मोक बनाते वो प्राइस नीचे रखते। लेकिन जब फ्री है, अब लोग ये कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन के लिए हर कोई यूट्यूब पे जाता है। बिल्कुल सही, आप एक्सपेक्ट मत करो यूट्यूब वाले से, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, हम भी हैं आप भी हैं, बहुत कुछ हाउ टू वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो आप कि फ्री में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये मैं इसलिए पॉइंट इतना लंबा मैंने आपको बताया कि अगर आप पायरेसी करते हो तो आप एक माइंडसेट अपना लगातार बना रहे हो आगे सालों के लिए कि आप फ्री की चीजें ही उठाओगे। आप दिमाग अपना बिल्कुल ही बंद कर दोगे अगर कोई बंदा आपको $10 में बहुत कमाल की चीज बताने वाला है, लिटरली आपकी लाइफ बन जाएगी शायद, या फिर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपका जो काम एक साल में हो रहा था वो एक महीने में हो जाएगा, या फिर आपके जो रास्ते हैं वो इतने आसान हो जाएंगे कि जो आगे आने वाला काम था वो आप तेजी से आज शुरू कर दोगे $10 में।
लेकिन क्या था जो आपका माइंडसेट था कि मैं फ्री में, फ्री के अलावा और कुछ नहीं पसंद करता, कुछ नहीं करूंगा। जो आपका गेमिंग से आया था माइंडसेट, मतलब आपके पास चॉइस थी लेकिन कभी आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि खरीद के एक्सपीरियंस क्या होता है। और एक बहुत फैक्ट बात है जो सबको साफ साफ समझ लेनी चाहिए, फ्री की चीज फ्री की ही होती है और वैल्यू भी वैसी होगी, उतनी वैल्यू नहीं दोगे। आप अगर एक हार्ड बुक खरीदते हो, हार्ड कवर पेपर बैक बुक खरीदते हो, या फिर एक फ्री की ई बुक डाउनलोड करते हो, आप देख लो आप कौन सी ज्यादा को वैल्यू करते हो। जज करना बड़ा मुश्किल है कि आपने बुक ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ी या आप ई बुक को ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ रहे थे, जज करना मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर पेपरबैक बुक खरीदते हो, हार्ड फिजिकल कॉपी 500 रुपए की, जो फ्री की ई बुक से आपको ज्यादा नॉलेज आएगी। और सीधी सी बात है, आपको कहाँ जाना है आप सीधे समझ लो। जैसे मैं और आप हैं, मैच्योर लोग हैं, और हम ये जानते हैं कि भाई देखो टाइम कम है और हमें इंजॉयमेंट चाहिए प्योर, और हमें चिक चिक नहीं चाहिए। तो मैं जो है अपना एक गेम चूज कर लूंगा, और मैं पेशेंट भी हूँ, मुझे पैसे की वैल्यू ऐसा नहीं कि मैं जो है पैसे यूं उड़ाता हूँ, लो तू भी ले जा गेम वाले, तू भी ले जा। मैं पेशेंट हूँ, मैं 300 400 500 का गेम खरीदता हूँ, लेकिन जब खरीदता हूँ तो फिर मैं अपना एक गेम खेलता हूँ। अब सीधे से हम लोग, मैं और आप कैलकुलेट करके चलते हैं कि नॉर्मल जो है ट्रिपल ए गेम टाइटल जो होता है अपना, ये 80 घंटों के होते हैं। अब आप समझ लो, आप चाहे हसरत आपकी जितनी भी हो, अब मैं खेलूंगा 80 घंटे और मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है, तो वो एक्सपीरियंस मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहता हूँ। और वो तभी समझ में आएगा जब मैं समझदारों की कम्युनिटी में आऊंगा। अब वही वाली बात दोबारा मैं बोलूंगा कि फ्री में तो फिर क्या, फिर फ्री में तो सब बढ़िया है, फिर तो आप जो भी गेम खेलते हो डिस्कशन विस्कशन की जरूरत ही क्या है, तेरे को खेलना है तो डाउनलोड कर और हट जा, नहीं तो। लेकिन जब आदमी ये कहता है कि भैया मैं खरीदने इसलिए ये वाला गेम जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कायदे का गेम है, मैं लगाऊंगा इसमें अपने $60, फिर वो पॉइंट्स गिनाएगा कि ये पॉइंट अच्छे हैं, इस कम्युनिटी में आप जाओगे तो आपको अपने टाइम की वैल्यू मिलेगी, इस कम्युनिटी में आप जाओगे तो कहेगा फ्री में है ये, फ्री में है वो, और 3 महीने रुक जा DRM टूटेगा तो वो वाला गेम भी फ्री में आ जाएगा। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। इस पे अगर आपको कुछ और जोड़ना हो तो बताएं। नहीं, मैं तो आपको इसमें कोई है क्वेश्चन है आपका, मैं तो आपको सीधी सी बात उस चीज पे कहता हूँ कि हम ना अगर कंपेयर करें, लेट्स टेक अ, आपने डिफरेंट मार्केट उठाई है, लेट्स टेक अ एजुकेशनल मार्केट। US में एजुकेशनल कोर्सेज, मतलब जो इंडिविजुअल्स देते हैं उनके जो कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज जो आप डाउनलोड करके वीडियो कोर्सेज सुन सकते हो, $20,000 $30,000, कैन यू इमेजिन दैट? एंड यहाँ पे हम जो है ₹1,000 ₹2,000 नहीं देंगे उस चीज को, बिकॉज हम मानते ही नहीं है कि ऐसी, हम ना लाखों करोड़ों दे देंगे यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ टीचर्स वो पढ़ाते हैं, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, जिन्होंने कभी वो सेल्स नहीं की, जो एक्चुअल पर्सन जिसने सेल्स की है, जिस जो एक्चुअल उस इंडस्ट्री में है और जिसका जो वीडियो कोर्स है वो कायदे का है, जैसे आपने कहा, उसके लिए नहीं पे करेंगे। क्यों? यूनिवर्सिटी के लिए पे करेंगे क्योंकि वहां जाके बैठते हैं, चाहे वो टीचर जितने लिद है, हम उस बंदे को पैसा $20,000-$30,000 नहीं देंगे, कहेंगे बेवकूफ को क्यों देंगे हम, चाहे उसका कोर्स कैन एक्चुअली मेक यू $10,000 इन अ मंथ, फिर भी हम नहीं लेंगे उस चीज को। US में पीपल गो इन फॉर दीज कोर्सेज क्योंकि वो कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में लिद लोग पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो है ये पर्सन 20 years ये सेल्स इंडस्ट्री में रहा है, इसने BMW के साथ काम किया, इसने इतने लोगों से के साथ काम किया, इसको ज्यादा पता है, और ये जो चीज बनाएगा, ये जो वीडियो बनाएगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये एक्चुअली एक कल्चरल माइंडसेट का डिफरेंस है दोनों कल्चर्स में। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियंस प्राइस पे कम्पीट करते हैं, फॉरनर्स वैल्यू पे कम्पीट करते हैं। इसलिए जैसे कैनकेक्स ने पहले कहा, जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है वो हम ही नहीं तोड़ फोड़ के मरोड़ के खत्म कर दिया इंडियंस ने, क्योंकि वो प्राइस पे कम्पीट करते करते $10 और वो 10 का दे रहा है, मैं 5 का दूंगा, 5 का दे रहा है, मैं 2 का दूंगा, मैं तो फ्री में दे दूंगा यार, मुझे अच्छा 5-star रिव्यू दे दे, काम भी वैसे ही आ रहा है उसका। नहीं, फ्रीलांसर्स फ्री में काम करने को तैयार हैं। That is literally how they are working. मेरे को आजकल लोग पूछते हैं, आपने डेमो दोगे, आप जो है हमें प्रोटोटाइप बना के दोगे, दो मॉकअप दोगे, मैं क्या जैस तेरे को फ्री में दो मॉकअप क्यों, क्योंकि वो वाला जो है वो 3 मॉकअप दे रहा है फ्री में। और ये जो है ये इंडियन माइंड सेट है, एशियन माइंड सेट है, जापान को छोड़ के, दिस इज अ चाइनीज एंड इंडियन के नंबर क्वालिटी नहीं, नंबर इट्स लाइक थॉट थॉट 50 चीजें फेंको, एक ना एक तो लगेगा मार्क पे, you know, that is our philosophy, so it is basically a change of mindset. एक खुशखबरी दे दूं वैसे मैं आपको, कि ये जो आप कोर्स खरीदने वाली जो हम बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन के लिए पे करना, इसमें इंडियंस बहुत आगे हैं।
मेरे ख्याल से मैं कहीं और कहीं पढ़ रहा था किसी का सर्वे, उसमें इंडियंस दूसरे नंबर पे थे जो इन्फॉर्मेशन खरीदते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ये समझने वाली है कि मुझे और आपको क्यों नहीं पता लग रहा, क्योंकि वो मिडिल क्लास वाली मेंटेलिटी वही रहेगी कि हमें तो भैया पैसे गिनने हैं। वो जो खरीद रहे हैं कोर्सेज, जो इन्फॉर्मेशन खरीद रहे हैं वगैरह, वो एलीट्स हैं, उनको फटाफट काम कराना है। जैसे सीधी सी बात है, वैसे हम थोड़ा टॉपिक से हट गए, वैसे पायरेसी और गेमिंग की बात हो रही थी, लेकिन अलग टॉपिक बना देंगे। लेकिन ये जरूरी है, ये इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आप जैसे ये इसलिए जरूरी है कि गेमिंग सिर्फ गेमिंग नहीं होती, उससे आपकी लाइफ बहुत तरह से चेंज होती है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मेनी एस्पेक्ट्स एक ये था कि अगर आप पायरेसी करते हो तो फिर वही माइंडसेट बनेगा आपका, फ्री में सामान उठाने वाला। आप कभी वैल्यू नहीं करोगे जो वैल्यूएबल चीज होगी। बिल्कुल, इसलिए ये डिस्कशन करना जरूरी है। वैसे अगर आप चाहें तो पायरेसी वाले टॉपिक पे वापस आ सकते हैं, या फिर इस पे आपको अगर कुछ जोड़ना हो। इसी पे मैं आपको जोड़ता हूँ। हम ना नंबर टू पे ना हम देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज दैट आर सोल्ड। अब मोस्टली जो कोर्सेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्सेज जो ये सस्ते कोर्सेज होते हैं, जो ये $500 मिलते हैं, यूडेमी या अदर कोर्सेज, बहुत उनका वॉल्यूम बहुत है, बिकॉज दे उनको सीखने को मिलता है। अगर कोई स्किल सीखना है तो जल्दी सीखना है, सस्ता कोर्स उठाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज हाई प्रीमियम कोर्सेज जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, जो $20,000-$30,000, दैट मीन्स आप एक पर्सन से 30-40 लाख रुपए ले रहे हो उस कोर्स के लिए। मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा था कि हम यूनिवर्सिटी में चाहे 50 लाख दे देंगे, बट उस बंदे को 20-30 लाख नहीं देंगे। एंड वो बंदे टोनी रॉबिन्स हो गए, या फिर बहुत ही हाई जिन्होंने अचीव किया है, लाइक जैक वेल्च के मैनेजमेंट कोर्सेज जो है, दैट कॉस्ट लाइक कुछ तो 50-50 लाख तक जाते हैं। मैं उन हाई प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहा था कि उनको अवॉइड करते हैं, बिकॉज हमारी आदत नहीं है इतना पैसा। हम फिर भी 3-4-5-10 हज़ार ट्यूशंस के लिए और ये कोर्सेज के लिए दे देंगे, बट लाखों हम यूनिवर्सिटी के लिए देंगे, उस पर्सन को नहीं देंगे। सो हम वॉल्यूम को, हम ना जो डिस्कशन है आप नंबर टू पे आप लेके आए थे इंडिया को, दैट वुड बी द कोर्सेज दैट ये नॉर्मल डे टू डे कोर्सेज, फोटोशॉप्स एंड अदर थिंग के कोर्सेज हैं, जो सस्ते यूडेमी एंड अदर जगहों पे मिलते होंगे। कोडिंग कैसे करो, पाइथन सीखो, या फिर पीएचपी कैसे कोडिंग करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाईली सेल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स बाय करते हैं। इंडिया में उनकी डिमांड बहुत कम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खैर, कई लोग पूछते हैं, जैसे ये हम बात कर रहे थे कि गेमिंग से तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। अब यही आ गया ना एक टॉपिक कि गेमिंग से कैसे लाइफ चेंज हो जाएगी, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन की भी वैल्यू होती है। बिल्कुल। और ये जो एंटरटेनमेंट है, डिजिटल गुड है, इसकी भी वैल्यू होती है। क्यों ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मिडिल क्लास में ये बातें समझना और समझा पाना बहुत मुश्किल काम है। लिटरली आप ये बात समझो कंकिक्स, कि जो लोग कह रहे हैं ना कि पायरेसी रॉक्स, उसको नहीं समझ में आ रहा है। अगर उसको समझ में आएगा ना तो वो रॉक वही उठा उठा के मारेगा, वो पायरेसी नहीं करनी मेरे को। आई जी वही चीज था कि मैं, मेरा एक पॉइंट था पहले, मैं भूल गया। एक चीज होता है कि यू नो, जैसे अभी आप सोशल नेटवर्क में देखते हो, लोग ना कमेंट्स में अब्यूजर्स वगैरह देते हैं एक दूसरे को, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल, जब वो बंदे को जानते नहीं, लेकिन जब वो एक्चुअली उनसे मिलेंगे तो वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो एक चीज होती है, एक डिस्कनेक्ट होता है कि जब आप डिस्कनेक्टेड हो किसी चीज से तो आपको ये नहीं लगता कि आपसे कुछ हार्म हो रहा है उनपे। सो सिमिलरली जो डेवलपर्स होते हैं, अभी जो हम लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये ऐसे बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि गेम्स आ रहे हैं, ये नहीं कि कोई बंदा बैठ के, बंदी बैठ के उस पर काम कर रहा है, उसके वो वापस उसकी भी फैमिली है, उसको खिला रहा है, वो नहीं पता। सो वंस वी शो के बैकग्राउंड दिखाते हैं हम कि डेवलपर्स का, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले नहीं, बट जो एक्चुअली स्लॉग कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं आता है वहाँ पे, वो काम कर रहे हैं इस गेम पे, और जब आप पायरेट कर रहे हो और इतने लोग पायरेट कर रहे हैं तो वही कंपनीज ठप जा रही है, और उनके वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, उनके वो खाना नहीं डाल पा रहे हैं। व्हेन दैट कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन आता है कि भाई उस स्क्रीन के दूसरी तरफ कोई है, यू नो, तब जाके अ पर्सन थिंक्स ट्वाइस। वो ये नहीं कि करे ना करे पता नहीं, लेकिन वो 2-3 स्टेप और सोचेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो किसी को अफेक्ट हो रहा है। सीधी से बात है, आगे चल के अगर आपने गेम डेवलपर बनना है, कोई आपकी गेम को अगर चुराता है, आपने जिस गेम पे काम किया, खून पसीना लगाया है, आपको कैसा फील होएगा? बिल्कुल, आपका दाल पानी चलना बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में गेम डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े और प्रॉस्पर करे, देन पायरेसी नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और सही है, और प्रॉब्लम भी नहीं है, जैसे कि ये है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों ने फेस करी, डेवलपर्स ने फेस करी, तो उन्होंने फिर सोच लिया कि भैया डेवलपिंग मार्केट्स हैं इंडिया जैसे, इनको कैसे टैकल करना है, फ्रीमियम मॉडल्स आ गए, आप ये उन्होंने कहा ठीक है भाई, देखो हार्डवेयर चल रहे हार्डवेयर अगर आप नहीं कर सकते तो जैसे स्मोक कह रहे हैं मोबाइल आ गए, सीधी सीधी सी बात है, जरा जरा से इंटरनेट पे, मतलब पबजी मोबाइल जो है उसको वास्तव में बहुत कम इंटरनेट चाहिए होता है टू स्टे कनेक्टेड, दैट्स सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा पहले नहीं था, वरना बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, उन्होंने करके दिखा दिया। तो ऐसी जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, क्योंकि परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि टू बिहेव गुड, इट्स वेरी हार्ड, लिटरली वेरी हार्ड, इवन दो यू स्कोल्ड, दे डोंट, मतलब उन्हें सीधी बात यही है कि आप बच्चों को इतना ही मान लो, फिर अल्टीमेटली उसे मौका मिलेगा, फिर वो अपना ही काम करके दिखाएगा, बचपन में नहीं मिलेगा उसे वो काम करने का मौका, तो फिर वो बड़े होकर अपने जल्द भी दिखाएगा, इसलिए आप उसे पहले से ही समझा दो कि बेटे तुम्हारा जहाँ इंटरेस्ट है उसको कायदे से कर लो काम, अगर तुम्हें समझ में आता अपना बेनिफिट एक बार एक्सपीरियंस करो, नहीं समझ में आता तो फिर दूसरी चीज एक्सपीरियंस करो, वो भी नहीं समझ में आती तीसरी करो, तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी, तुम उसे कायदे से वो कंटिन्यू करना, ऐसी पायरेसी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। और सीधी सी बात बताऊं, थोड़ी सी जो है ना, ये डेवलपर्स और ये जो अपने पब्लिशर्स हैं, इन्हें कुछ आइडियाज निकालने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वही इंडिया बेस्ड है, उनकी तो पूरी ऑडियंस ही इंडिया है, वो कहां बाहर जाके बेचेंगे, तो उनको इस पायरेसी से जमाने से टैकल करना पड़ रहा है। आई मीन आप सोचो, आप अगर अपने किसी भी शहर में जाओ, मैं तो अपने शहर में देखता हूँ कि पहले बड़े बड़े मार्केट्स लगा करते थे पायरेटेड सीडीज के, बड़े बड़े मार्केट्स, ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े मार्केट्स, पूरी पूरी दीवारें और ठेले पट जाते थे कि फला फिल्म की भी सीडी है और फला फिल्म की भी सीडी है, जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब कई बार मूवी रिलीज नहीं होती थी, आप सोचो इंटरनेट की एज में तो अभी लोग खुश होते हैं कि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई, इससे पहले उसकी पायरेटेड कॉपी आ गई, आप सोचो सालों पहले उसकी डीवीडी आया थी पिक्चर, तो सोचो क्या, मतलब वो तो पिक्चर का तो बजट बिल्कुल डूब गया, लेकिन somehow इन लोगों ने भी अपना, चाहे कैसे भी करके, अब वहां जो भी है कि वहां भाई भतीजावाद है वगैरह वगैरह, कैसे भी करके somehow उन्होंने जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉफिटेबल रखा है। अब अगर वो लोग उम्मीद करते कि जो फैंस हैं वो कुछ करके दिखाएं, तो वो तो होने से रहा जो कर सकता था, इसीलिए मैं कह रहा हूं सबने पायरेटेड सीडीज देखी हैं और सबने वो पायरेटेड गाने भी सुने, तो उन लोगों ने जैसे ढूंढ के दिखाया ना, ऐसी जिम्मेदारी बनती है डेवलपर और पब्लिशर्स की, फैंस को मदद की, आप कुछ नया आइडिया लेके आए। मैं आपको मूवी के, जब मैं बात कर रहे हैं ना, हम मूवी और गेम्स को कंपेयर करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गेम्स का सिर्फ एक ही सोर्स है जो गेम बिकती है, यूज्ड गेम का भी सोर्स नहीं है। मूवीज इज अ वेरी मैच्योर मार्केट। मूवी क्या है, एक तो टिकट सेल, आपका बॉक्स ऑफिस का टिकट सेल, उसके बाद आपके डीवीडी, देन आपके टीवी राइट्स, देन आपके एयरप्लेन राइट्स, बिकॉज आई एम, मैं मूवी इंडस्ट्री में रहा हूँ एंड मैंने की हैं चीज़ें एंड आई प्रोड्यूस मूवीज एंड अदर थिंग्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए क्या होता है, हमारी मूवी, वी डोंट लुक एट द बॉक्स ऑफिस सेल जब हम मूवी बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने श्रीलंका में की थी, हम लेते हैं म्यूजिक राइट्स, हम लेते हैं उसके टीवी राइट्स, हम लेते हैं उसके एयरप्लेन राइट्स, जो एयरलाइन राइट्स होते हैं, एंड वेरियस अदर राइट्स जो इंडी थिएटर्स में दिखने हैं, वो राइट्स, देन टीयर वन सिटी, देन उसके बाद वो रिले घूमती है टीयर टू सिटीज में, फिर टीयर थ्री सिटीज में। सो मूवीज का जो इनकम सोर्स है बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो पायरेसी इतना हिट नहीं करती उनको जितना ये गेम्स को करती है। गेम्स तो इवन यूज्ड गेम्स भी उनके पास नहीं कुछ जाता। सो एज टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, गेमिंग इंडस्ट्री हैज नॉट मैच्योर्ड, उनका सोर्स इज द फर्स्ट परचेज, मूवीज का सब्सिक्वेंट परचेज। अगर आप देखोगे, आपको मूवीज के 1000 पोस्टर मिलेंगे, गेमिंग के कितने मिलेंगे आपको? To be very honest, कितने मिलेंगे? You'll barely see, the only way to get to know is word of mouth or internet. And हम ये भी चीज ignore कर रहे हैं कि movie is a social event. हम ना theater में movie देखने क्यों जाते हैं? हम घर पे conveniently देख सकते हैं बैठ के जब movie आ जाएगी. Because हम दोस्तों के साथ, family के साथ जाना चाहते हैं theater में और देखना चाहते हैं. So चाहे हमें ऐसा नहीं है कुछ. So मूवी इंडस्ट्री को क्वेश्चन है, प्रॉब्लम गेमिंग इंडस्ट्री को पायरेसी बहुत हिट करती है। सो ये डिफरेंशिएशन है दोनों चीजों में, बट यू आर राइट कि हाँ, गेमिंग ऑल्सो नीड्स टू टैकल थिंग्स इंटेलिजेंटली रादर देन जस्ट आउटराइटली पायरेसी को हिट करने के बजाय, दे शुड मेक इट कन्वीनियंट, फाइंड आउट अदर सोर्सेज एंड अदर थिंग्स एंड वैल्यू ऑल्सो, वैल्यू टू दे, हम किस तरह इंटेलिजेंट वे से कैसे टैकल कर सकते हैं, क्रिएटिव वे से कैसे टैकल कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट
it's not an easy problem. It's not easy and it, there is no one solution. इसका एक सोल्यूशन तो है ही नहीं, इसके अलग अलग हैं. डेफिनेटली इंडस्ट्री की तरफ से तो है ही, बट इंडस्ट्री की तरफ से आप ये भी देख सकते हो कि जैसे आप कह रहे थे मोबाइल इंडिया में सॉरी पायरेसी थी, तो उन्होंने क्या किया, दे ट्राइड द फ्रीमियम मॉडल. अब फ्रीमियम मॉडल क्यों चलता है, वो अमेरिका में नहीं चलता, वो चाइना इंडिया इन जगहों में चलता है. अमेरिका में दे से यू टेक $10 गिव मी द गेम, लोग कह रहे हैं कि चाहे वेस्टर्न एक कॉपी ना खरीदे उसकी, कोई China itself बिल्कुल will make it that a is success. Always the case. Now the thing is उसके वजह से क्या हुआ, freemium model आ गया, और freemium model के बाद आया pay to win. क्योंकि अगर आप Clash of Clans और कुछ खेल रहे हो, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आप उसमें इतना मनी डालो वो दो मिनट में बन जाएगी, तो मल्टीप्लेयर में अगर कुछ हो रहा है then you will win that game. अब इतना worse हो गया है कि अब pay to play है. नहीं, अब वही चीज, दैट सेम थिंग हैज कम इनटू कंसोल. उन्होंने बोला कि चलो ये लगा रहे हैं हम भी लगाते हैं. द प्रॉब्लम ओवरऑल गेम इंडस्ट्री में आ गया, ओवरऑल गेम. और उसका जड़ कौन है, और क्या है उसका जड़ क्या है, द कॉज इज अस. कि हमने जो भी जिन्होंने पायरेट्स अस मतलब नॉट अस बट जिन्होंने पायरेसी की है वही है कॉज. और उसको जो ये सोल्यूशन निकाल रहे थे वो ये निकला. You know, so there is, we have to see both sides of it. कि ये क्यों हो रहा है? It's because the story games मर रहे हैं. Again, the same issue. So it's a complex problem, IG sir. और complex problem का solution ढूंढते ढूंढते हमारी cameras की batteries drain होके खत्म होने पे आ रही हैं. Oh boy. So मेरी भी battery खत्म होने को आ रही है. मेरी खुद की battery. खुद की हम सब की batteries भी. It was a heavy duty topic. Heavy duty topic. So आप जो है, I think so, you're the correct person. आप ending thoughts दीजिए. मेरे ख्याल से जहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हुआ था वहीं पे दोबारा लौट के आते हैं कि इट्स ट्रू कि हम सब ने जो है किसी ना किसी डिजिटल गुड की पायरेसी की है, इन केस ऑफ मूवीज, म्यूजिक और गेम्स और एनीथिंग, आर्ट हो गई, कुछ भी हो गया, आपने करी है, इट्स ओके. डेवलपिंग नेशन है, कोई बात नहीं. लेकिन आपको ये समझना चाहिए साफ सीधी सी बात कि अगर आप पायरेसी नहीं करते हो तो आपको फायदे होंगे, दूसरा आपको वैल्यू क्या मिलती है, आप एक बार एक्सपीरियंस करने जाओ. सिर्फ इतना सा है, आप एक्सपीरियंस करने जाओ. और आप ये नहीं कि हम एक गेम का नाम बता दें कि आप खेलो जाके स्पिन टायर्स तो उसमें फील करो आपके, ना आपका जो फेवरेट गेम हो आप वो ट्राई करते रहो. मैं ये भी नहीं कहता कि आज से आप बंद कर दो और आप सारे गेम खरीदो. अगर आज आप 10 गेम आपके इंस्टॉल्ड हैं, कोई एक देखो. विंटर सेल में आप स्टीम की जाओ, आप समर सेल में स्टीम की जाओ, और वीकेंड सेल होती रहती हैं उसमें देखो, कोई 150 का कोई पुराना गेम हो आपका जो आपको अच्छा लगता हो उठाओ और फील करो. प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आपने नहीं समझा कि क्या फ़ायदे होते हैं तो आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस पे तो लूज़ कर ही रहे हो. दूसरा, आप एक साफ साफ बात जान लो कि इंडस्ट्री के डाउनफॉल में भी आपका हिस्सा है. ये ईमानदारी वाली बात है. और जो लोग खरीद रहे हैं डिजिटल गुड्स उनका हिस्सा है कि वो इंडस्ट्री को ऊपर ले जाते हैं. तो अब आप थोड़ा सा ये आप कैलकुलेट करो कि आपको किस साइड रहना है. मैं फिर से वही वाली बात कहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप मिडिल क्लास वाले हैं या हार्डवेयर के वांदे हैं तो सॉफ्टवेयर तो रहने ही दो. लेकिन फिर भी एक हल्का ट्राई लेके देखो, आप देखो क्या मिलता है. इसी थॉट के साथ हम लोग अपना ये वीडियो ख़त्म करेंगे. और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मिक्सडअप चैनल के एक वीडियो में मुझे फीचर किया गया है. अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा. तो आप जाओ मिक्सअप चैनल को भी चेक करो. और इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं. अगर कैंकेक्स और स्मोक आपको कुछ कहना हो तो आप कहें, मेरी तरफ से तो गुड बाय. आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, ₹50 का पानी था कैसा? कैसा फिर वो पानी रेस कपड़े फाड़ दूंगा मैं, ये मॉनिटर टूट जाएगा. ये ₹50 का पानी का नाम मतलब, अरे वो बोलता लगा कहां है वीडियो पे आप ये इमोशनल क्वेश्चन पूछ रहे हो. अभी मैं यही फैल जाऊंगा, रोने लगूंगा, अच्छा लगेगा आपको? मतलब हद होती है यार. और सुनो, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती. ₹50 का पानी था, वो ₹50 में कितना पानी दिया था? बाल्टी नहीं दी थी उन्होंने? नहीं, कितना भी छोड़ो, पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि आईजी सर आए ट्रेन से, गर्मी में कौवे कौन तड़पते हुए पसीनों पसीन के परेशान के कहाँ आ गया, क्यों आ गया, इतना इतनी गर्मी, ट्रेन में ठंड लग रही थी, बाहर आके गर्मी लग रही है, पानी का प्यास लिटरली जो होता है ना, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, 2 सेकंड अभी रुके नहीं है, मेरे को पहले पानी बताओ कहाँ है, पानी कहाँ है.
हमने पानी ढूंढा 50 रुपए का, वो भी जहाँ घूट जहाँ 3 बॉटल चाहिए आईजी सर के लिए वहां मिली 1 बॉटल भी नहीं, जो इतना सा ग्लास होता ना, इतने ग्लास में पानी, इतना भी 1 लीटर नहीं था वो 50 रुपए में। मैंने कहा काय बात के तुम अपने नगरे देखो, हम एक बार एक और वीडियो में लेके आएंगे बॉटल, हमारे पास पूरा इंटरव्यू मेरा बस चले, मैं पूरा कॉमिक कौन को पायलट करवाऊं। उसमें तो सच में पायरेसी का फीलिंग आया था, इसको तो पायलट करो, लो सालो तुम 50 रुपए पानी बेचोगे। और वो पानी हमने शेयर किया, अब बताओ exactly. कर लो बात, हम गेम पायरेसी की बात कर रहे हैं, ये एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। ये दुख की बात है कि एक इंडस्ट्री है जो इस तरह से हैरेस करती है और उसका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, वहीं दूसरी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को नहीं कहना चाहिए, कई डेवलपर्स है जो बहुत कुछ दे के जाते हैं और उन लोगों बेचारों को पलट के वैल्यू नहीं मिलती। सोचने वाली बात है कि अगले 5 सालों में पैकेज्ड वाटर इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री, $1 billion इंडस्ट्री होगी तुम्हें, क्योंकि साफ पानी की कमी है, पानी की बहुत कमी है, साफ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, और दिस पैकेज वाटर इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री। चलो वो एक और टॉपिक हो जाएगा। चलिए मुझे प्यास भी लग रही है, आपने पानी का नाम ले दिया, वीडियो खत्म करते हैं। तो गाइस आप देख रहे थे इंडी गेमर चैनल, मैं हूं आईजी, ये लोग हैं कंकेक्स और स्मोक, और साथ में इनके कैमरामैन भी रहती हैं, उनके बारे में आप पता कर लीजिए, मैं जानता ही नहीं हूं तो मुझे पता नहीं। वो आप कुछ पूछ लीजिएगा, आप चैनल पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए गुड बाय, टाटा, मिलते हैं। बाय बाय, ओके, टेक केयर।